राधा कृष्ण सुंदरानी के जय जोहार। संगवारी मन, आप मन के छत्तीसगढ़ी प्रोग्राम गीत संगीत, नवा नवा फिल्म, नवा नवा प्रोग्राम आप मन ला अब दिखी यूट्यूब के वीडियो वर्ल्ड रायपुर चैनल में। आप मन है अभी सब्सक्राइब करो वीडियो वर्ल्ड रायपुर, आप मन की कंपनी हवे। वीडियो वर्ल्ड रायपुर मोहन सुंदरानी की कंपनी हवे। वीडियो वर्ल्ड रायपुर आप मन के छत्तीसगढ़ के संस्कृति के कंपनी हवे। आप मन ला निवेदन करत हूँ वीडियो वर्ल्ड रायपुर के चैनल ला सब्सक्राइब करो और हमार उत्साहवर्धन करो। जय जोहार।
हमन का नहाथन बे नहा तो हमर बाबा साल है तक हमर बाबा साद रहे बे नहीं 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 वो नहीं कहा तो एक घाव गर्मी के बेरम हमर बाबा की तबीयत खराब हो गए डॉक्टर मनोला मना कर दी तो नहाना नहीं है नहाना नहीं है गर्मी के मारे हमर बाबा शरीर तालाबेली फट ले पानी में कूदी हमार बबल तौरे नहीं आए बे उबुक चुबुक कम ऐसे करत रहा है हमार डोकी दाई गिर फट लो कर चुनी धर ऐसे हैं डोकी दाई भड़क के किस तोला गिलास के पानी ने नहाए भर दे रहे हो के भी ये भर दे रहे हो कहीं के बे चल बे साले वहाँ कहीं गिलास के पानी में कूद के वहाँ नहीं बे हमार बाबा माया जा सीखे रिस ना बे छिन में अपन शरीर ला छोटे कर दे और छिन में बड़े कर दे वक्त का बेरो कर शरीर छोटी रिस बे ये तो कहीं नहीं है हमारी बाबा अगर इतना बड़े भैंसी ये डेरी वेरी में देखता है ना ये कुछ नहीं है बस बिहनियल भैंसी ऐसे निकाले हमारी बाबा और चौक में खड़े कर देना आदमी की लाइन लग जाए दूध पिए बन रहे दूध पिए बन नहीं बे चाय पिए बन कैसे चाय पी रही बे बस हमार बाबा भैंसिल खड़े करके ऐसे जब दूध ला दुहे सीधा चाय निकले साले दुनिया में नहीं होए तैसे चाय निकाल यही बे कहीं बात का है ना हमारी बाबा भैंसिल बिहनिया बिहनिया गरम पानी पिया दे और चाय पत्ते और शक्कर खवाए के बाद दुहे ना चरा चरा तो सीधा गरम गरम चाय निकले ये पियो एक रुपया हाफ ये पियो एक रुपया हाफ ऐसे साइकिल मा चढ़ी वाह ठन ठन का करत भाई चला 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 ठन ठन सही का में हा लागत कौना ते ठन ठन आज बिहनिया बिहनिया ले कहां जात हस बे मैं कॉलेज जात हूं बे फर्स्ट ईयर में पढ़े बा हतरे साले कॉलेज तो 10 बजे लगते बे तै 7 बजे जा का करबे फर्स्ट इंप्रेशन गलत नहीं जाना चाहिए ना यार तबे सोचत रहन साले इंप्रेशन वाले आई पीछू डहन चश्मा लगा के कान में ईयरफोन गूंज के सेंट और जेल लगा के कोनो कॉलेज जाते बे यही तो आजकल के लेटेस्ट फैशन है बे एकरे से तो इंप्रेशन बनता है वार इंप्रेशन वाले तो कॉलेज तो हमू मन जाबो बे तोला का दिखला करी परे है मोर चैन अब्बर निकलते ना यार चैन लो बने नहीं करवाते बे ये चैन नहीं बे साइकिल के चैन लकी था हतरे साले तो ऐसे निकाह हाथ में मोला तो एक भुरभुत जात है भाई एक कहीं और लफड़ा है साले है चल भाई बता जन बता यार संगवारी मन छुपाते साले है का छुपाऊ बे हमर कुछ लफड़ा नहीं है बे देख आज कॉलेज में एक नया मुर्गा जा रहा है अरे नया मुर्गा नहीं दबंग है दबंग सलमान खान है सलमान खान नो है यार गवैया कुकरा है बिचारा हा रा थोकन इंटरव्यू ले लेता हूँ झोला धर के कहाँ जाता चुचरू चुचरू कोई थे हम कॉलेज पढ़े जाथन या यार ये तो बोर कर रही है ऐसे लेता है क्या कोई इंटरव्यू अरे हटो यार मैं बताती हूँ कैसे होता है इंटरव्यू क्यों मिस्टर चुचरू मोर नाव चुचरू नहीं यार मोर नाव ठनठन है ठनठन तो अबे ठनठन ये टुनटुन को देख के तुझे कुछ कुछ हो रहा है क्या हो रहा है या क्या हो रहा है चुचरू ये तो अटियासी अटियासी लाग रहा है यार तेरा अटियासी फटियासी मैं अभी दूर कर देती हूँ ठीक है ना अभी सारा अटियासी दूर कर देती हूँ अबे नवा कपड़ा सियाई चटक दे अबे चल बोलो उतर उतर चल मुर्गावन चल बे चल 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 मुर्गाबन चल चल मुर्गाबन मुर्गाबन मुर्गा माने कुकरा हाँ कुकरा चल बन कान ला मत इतना बना दो चल अब अंडा दे अंडा हाँ, अंडा ला कुकरा मन कहाँ देते ओला कुकरी मन देते या हम तो कुकरा से भी अंडा निकलवा लेते हैं मोला कुकरा बना के मोर अंडा निकाले रहा ले ले
ते बोकरी बन जाबे जब आही मोर बगुआ। कोने रे तो अंडा निकालिस ते ना? ओदे पाछू में बैठे ती टुरीता वहाँ पिछवाड़ा ला मार के अंडा निकाली से मोर। अतरे साले टुरी ला मार खागेस उहु पिछवाड़ा में? वो दे टुरी। अरे अबे ओए ज्यादा हीरो मत बन, इतना हिम्मत वाला है तो मुंह पीछे करके क्यों खड़ा है? चेहरा सामने करके बात कर, फिर मैं तेरा भी अंडा निकाल के बताती हूँ। चल निकाल के बता। अच्छा छोड़ मेरा हाथ। कैसे मैडम, अतकम टक हल गए तोर चर्बी है? How could you do this? Leave my hand, nonsense. अरे ज्यादा दिमाग वाली मैडम, अतकम हो गए है? थोर कनाइट दू ना तो संडेवा काड़ी से ही तोर हाथ रटरटाक टूट जाए जाने। You bloody fool, गवाई हाँ? छोड़ मेरा हाथ। ए अंग्रेज मन के बाचे खोचे पुरौनी औलाद, ज्यादा अंग्रेजी झंझार। भगवान जो तुला जबान दे है ना, तेन मया पीराव प्यार मोहब्बत के गोट बात करे बर दे। हाँ। कुनोला अंग्रेजी में गाली बक्के वाला गंदा करे बर नहीं दे। और ये जो दिमाग दिए है ना, तेन ले पढ़ाई लिखाई करे बर दिए है। फोकट छाप ककरो रैगिंग लेके वाला खिता करे बर नहीं दे। ऊपर वाला जो ये गोड़ दे है ना तुला सुंदर, तोला अपन पढ़ाई लिखाई करे बर अपन मकाम हासिल करे बर दे। कुनोला लटारा मार के ओखर अंडा निकाले बर नहीं दे। ये हाथ लाना लिखे बर दे। सियाही छींच के ककरो कपड़ा खराब करे बर नहीं दिए। और कहूँ पढ़ाई लिखाई में तोर मन नहीं लगत हो ही ना, तो मोर सही हीरो ला अपन हाथ ले सुघर लव लेटर लिख। और सुन, ऊपर वाला जो तोला ये सुघर मखमली काया दिए है ना, तेन लड़ाई झगड़ा करे पर नहीं दे। वही कोनो मोर सही सुंदर हैंडसम स्मार्ट लड़का खोज के ओखर साथ ऐसे चोंच लड़ा तो तोर ये सुंदर काया पाना ना सार्थक हो जाही। ए ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बन और हाथ छोड़ मेरा। ए सुटी वहा तो हाथ ना कब की छोड़ दे रे। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तो आना पटार ले। मैं तेरा खून पी जाऊंगी। अरे ये तो नॉन वेजिटेरियन है यार। ए इडियट हट यहाँ से, जाने दे मुझे। ए तोर करनी के भरनी हुए बिना तो यहाँ नहीं जा सकस। एकर स्याही चीज के जन शर्ट खराब करे हस ना तेखर 500 रुपया, और मुर्गा के जन ये अंडा निकाले हस ना तेखर डॉक्टर करा जाके आमलेट बनवाबो ओखर 400 रुपया, कुल मिला के 900 रुपया दे बिना तो यहाँ नहीं जा सकस। जरा पर्स देना मेरा, ये ले 900 बोला ना, ये रख 1000, 100 रुपए टिप समझ के रख लेना, समझा? ए रईस बाप के बिगड़ायल औलाद, ये रख तोर 100 रुपया, तोर गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाही ना तो डरवा लेबे, काम आही तोर टीप देवा थे। चले ठन ठन। ए अभी तेरा और मेरा हिसाब बाकी है, अगर हिम्मत है तो अपना नाम और पता बता के जा। छत्तीस।
जानी जानी पता थस बिरयानी खावत हो बेचटनी मार झन फुटानी तू हूँ पटनी पटनी छत्तीसगढ़िया मैं राजा छत्तीसगढ़िया साले रईस के औलाद मन है ना चश्मा लगाए बाद अंधरच हो जाते हैं। आई एम सॉरी। सॉरी? अबे तो सॉरी के तो जित्तू तै राजा तै अरे मुल्ला तो यकीन ही नहीं होते यार तई हां इहन पढ़ता हूं एलएलबी में हो औ तै बहुत ही है एडमिशन ले तब तो मजा आ जाही बचपन के दोस्ती जवान हो जाही तोर संग जित्तू तैं बचपना में गर्मी की छुट्टी में 2 महीना दशहरा दिवाली के छुट्टी माँ तैं गांव आ जाते रहे फिर आजकल तो एकदम ही गांव आना छोड़ देस यार का करबे यार हॉस्टल में रही था और बाबूजी जो सपना देखे है बहुला भी तो पूरा करना है हाँ लेकिन ये तो सपना पूरा करे में तैनता गोता माँ बाप अपन धरती अपन माटी अपन संगी संगवारी छोड़ देबे कहा और भाई तैं तो नेशनल खिलाड़ी है कबड्डी के सरपंच चुनाव पहली हो या कबड्डी प्रतियोगिता में तक काबर नहीं आयस तोरा कैसे पता कि मैं कबड्डी के नेशनल प्लेयर हूँ मैं गांव में रहता हूँ लेकिन टीवी में न्यूज देखता हूँ और रोज न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ भी घर में सब कैसे काका काकी अच्छा है सब तो लसुरता करते हैं और छुटकी का हाल चाल है वो अच्छा है काका काकी और छुटकी से बहुत साल हो गए मुलाकात हुए अरे तय तो हो गए परदेसिया और वो छुटकी अब छोटे नहीं रह गए बड़े हो गए तय देख बे तुला पहचान भी नहीं पावे सही कह यार बचपन में मिले रहे अभी का करत है छुटकी घलो यहाँ ग्रेजुएशन करत है अच्छा एक बात बता तोर बड़े पापा का लड़का प्रीतम का करते आजकल वो तो ही कॉलेज में पढ़ते तोला पता चली जाही हाँ ओला तो मैं बचपन से जाना था आज ही प्रीतम भैया हा बड़ी मम्मी और बड़े पापा से मिले पर गांव की से तय हाँ गांव कब आबे तेन ला बता अगले संडे को आ जाऊं पक्का पक्का मोर बेटा ला कखरो नजर झन लगे खूब पढ़ और खूब बड़ बेटा ए प्रताप गौठिया हा एमे ओमे पढ़े ल जात हो ही ना दाऊजी तभे तो गौठनी नौकर आरती उतारा थे मिठाई खावावा थे और पूजा घलो करा थे अरे ओहर ऐसन बात नो है रे प्यारे हाँ दाऊजी ऐसन बात नो है प्यारे दाऊजी 3 साल हो गए मोर बेटा प्रीतम ला फाइनल कर पहले हो जाते बिया अच्छा दाऊजी ये साल पास हो ही ये साल पास हो ही ऐसे आस लगा बैठे रही तो ओ तो मैं कॉलेज के डायरेक्टर हूँ देखरे से ती ओला कॉलेज ले नहीं निकाले 12वीं तक ढपेल के ओला ले दे के निकलवा रहे हो तब जाके कॉलेज में फटक गए ओखर महतारी के मारे चले नहीं एक साल में पास नहीं हुई तो 5 साल में हुई नहीं कैसे महू कहो जा आ रहे साले ना मुसवा के कुतरे ले कुबेर के कोठी थोड़े सिरा जाए आपके बेटा है ना दाऊ जी रिकॉर्डेड बना ही भले फेल हुए में बनाए आप के तरह ज्यादा बात करे सिग्दस का साले तोर मुड़ी ला काट के ना ये 12 सिंह के बुरी जगह टांग दहुरस साले मजाक करत रे हो दाऊजी काकर से करे बे मजाक मजाक करत हस हाय ठाकुर शमशेर सिंह से मजाक करे के सजा जानत हस 10 मिनट में तोर पूरे खानदान के साले नामो निशान मिटा दूं छोड़ बेटा प्रीतम छोड़ जान दे मजाक करत रीस होई सियान आदमी है जाओ प्यारे जी आप जाओ चल निकल चल मजाक करत रही से सज्जन तोरे सिर्फ ये छोटे छोटे आदमी मन हमारे खिलाफ मुंह खोले के हिम्मत करत है लेवन अजी चुपे रहो नाराज झन हो काय नाराज नहीं हो आओ के साल लगी जी फाइनल पास करे में अरे कहीं हो जाए बाबू देख बे ये साल मैं जरूर पास होके बताऊं पक्का है प्रीतम के वादा है ये साल जरूर पास होके बताऊं
अरे पास हुआ कोई भारी चीज है कब? तीन भर कॉलेज में नहीं पढ़ा था हमू मन पढ़े हन रे सही घो पुस्तक ल धर के बैठत रहे हो और परीक्षा का आवे तो चाकू गड़ा दे टेबल में साले सिट्टी पिट्टी गुम हो जाए उखर डर के मारे पसीना छूट जाए और मोर तीर में उधवे नहीं करे तोर से तो साले उतको नहीं हो सके। पुस्तक ला खोल के तो महू बैठो का चाकू घलो गड़ जाता हूँ ता कैसे फेल हो जाता है कौन सवाल के उत्तर कौन है कुछ समझ में नहीं आया उल्टा सीधा लिखा जाते तो मैं क्या करो मैं क्या करो ये साल अगर फेल हो ना तो तोर सब पढ़ाई लिखाई बंद ऐसे भी तोला पढ़ा लिखा के कौन सा नौकरी चाकरी कराना है ये साल अगर तय पास नहीं हो ना बाबू तब बता दे हो गाँव में आके रहबे और माल गुजारी संभालबे समझे ज्यादा भाषण जान दे बाबू वैसे भी नमोट एकदम दिमाग खराब हो गया साले हाँ। अबे फनफना विस्की सिर आ गए है आखिरी बाटल है शहर डहर ले ककरो तीर भेजवा दे अबे तुम चारों में से लड़की पटायल कौन कौन लात है बे तोर नाम का है बे प्रेम साले थोड़ा भी तमीज नहीं बे पहली सर बोल से लूट मार फिर नाम बता बे सर मोर नाम प्रेम है सर तब तो तोला जरूर टूरी पटायल आत हुई मैं हमार गांव के गोबरहीन टूरी मतलब पटाओ सर अब मैं यहाँ पढ़ाई करे बर आऊ अब नहीं आए सर टूरी पटाए बर नहीं आए औ कॉलेज पढ़े बर आत बे ओ बेचारा ता तो देवानंद बरोबर दिखा था सरे टूरी पटाबे तो कैसे डालाग मार बेरे तो लपटाओ तो सकतो बहनी फिर मोर कर अभी समय नहीं है हतर साले तोला टूरी पटाए बर कहा थन कि राखी बनवाए बर कहा थन बे ये चिकन चांदन दिखा थे एला तो जरूर आत हो ही एक बार टूरी पटाए कोशिश कर रहे हो सर जे पैतले कुटकुट ले मार खाते पैतले छोड़े हो ये तो बच गया क्यों बे ये तो शक्ल से ही भोंदू लगता है ना क्यों बे चुचरू तुझे क्या आता है अभी ट्रेनिंग परेड में है एक हफ्ता में पटाए भर सीख जाऊं तय जरूर अपन माँ बाप के नाम रोशन कर बे बेटा ये साले तो थ्री इडियट है ये थ्री इडियट फिल्म कौन कौन देखे हो रे मैं देखी हूँ तो थ्री इडियट फिल्म से तुम तीनों को क्या शिक्षा मिली भाई किताबी कीड़ा नहीं बनना चाहिए मैडम काय कीड़ा बनना चाहिए और तोला का शिक्षा मिली सर जनरल नॉलेज बढ़ाना चाहिए सर लगातार जब कोनो 30 साल ले फेल हो जाए तो मुन्ना भाई को उपयोग करना चाहिए सर और अपन फोटो की जगह में होशियार लेकर फोटो बदल के मेरिट में पास होना चाहिए सर 3 साल फेल हुए हैं तेखर से ती टांड मारत हो साले चलो बे मुर्गा बनो और तुमन का दोनों सीखे रे थ्री इडियट से सीनियर के सम्मान करना चाहिए सर सीनियर की मार से बचना है तो सीनियर अगर रात ला दिन कहा थे और दिन ला रात कहा थे तो उकर बात ला मान लेना चाहिए सर उकर से सवाल जवाब नहीं करना चाहिए सर और चुपचाप पैंट ला खोल के पीछू दहर से लगवा लेना चाहिए सर ओ का चलत है मन के साहब ठीक है उस्ताद हाँ। स्वीटी के ठन प्रॉब्लम रहिस ऐसे बता देतेस अरे यार टार्जन सुंदर लड़की के कोनो भी प्रॉब्लम और प्रीतम नहीं निपटाए ऐसे कब हो सकत है का सही बात है बॉस स्वीटी उस्ताद कह दिस याने तोर काम हो गए बोलो स्वीटी जी का प्रॉब्लम है एक लड़का है प्रीतम जी राजा नाम है उसका अपने इन दोस्तों के साथ मिलकर ना मुझे कल छेड़ रहा था उस बच्चू राजा को मजा चखाना है बस प्रीतम के रात ले तोला कोनो दूसरा छेड़ी तो समझ ले बच गयो कर बार आपके जैसा पावरफुल पर्सन मैंने आज तक नहीं देखा प्रीतम जी जब मोला कोनो सुंदर लड़की प्रीतम जी कही थे ना तो मैं खुशी से पागल हो जाता हूँ सूटी जी और तुम अभी तक सिल नहीं लगवाया बे आज कम शिक्षा नहीं मिली चलो बे सिल लगवा अरे ये सब तो लल्लू इडियट है असली इडियट तो वो आ रहा है राजा छत्तीसगढ़िया असल में सील तो उसको लगाना है प्रीतम जी जब कोनो सुंदर लड़की मुला कोनो ला देखना है कहते नहीं तो मैं गुस्से से पागल हो जाता हूँ सीधी जी अब देख अब मैं वो राजा की कैसे बजा तुम बाजा अबे वो हीरो सीनियर आगुम खड़े है दिखाई नहीं देगा चल सैल्यूट मार बे नमस्ते सर अबे ओ आकड़ू हीरो अब कहाँ गई तेरी हीरोगिरी अबे कहाँ निकलत रहे इस पतली गली से इतने जल्दी है का
मोर क्लास के टाइम हो गए और मैं यहाँ पढ़े बर आया हूँ। अरे हवन तो सोचत रहे नहीं लड़े बर आए हस। अबे जब ते पढ़े बर आए हस तो ये सुंदरी ला कावर छेड़त रहे बे। मैं ला नहीं छेड़त रहे हूँ, इमन मोर दोस्त ला छेड़त रही, तेखर से तेरी मोला ट्रेलर देखा आए हूँ। एला ते ट्रेलर देखा हस, मतलब तो पिक्चर अभी शुरू हो गया है, मतलब लड़बे ते हाँ। ले लड़ना। देख भाई मैं इसने ककरो से लड़ो नहीं और फोकट के और छैयाला छोड़ो नहीं। ऐसे मजा आई रे, मजा आई। वैसे भी न तोड़ से पुराना हिस्सा बाकी है, आज क्लियर हो जाए। ले मैं तोड़ से फोकट उड़ जाता हूँ, कैसे कर बे, मार बे, ले मारना, ले मारना, ले मार, 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 मारना भाई, मारना, मारना, मारना। मैं एक बार फिर से तोला बोला था, क्या बोला था? क्लास के टाइम हो के मुला जान दे। तुर क्लास कैसी की तैसी, अबे प्रीतम सिंह से ऊंची सुर में बात करता। क्यों राजा, बच गया ना तेरा बैंड बाजा? अरे जान दो जान दो, वो तो ऐसा है। राजा ककरो से डर रहा है नहीं समझे? फोकट में लड़ते हो यार, एक ना बचपन के फोकट छाप उर्जे का आदत आज तक नहीं गए। अरे छोड़ ना यार राजा। अरे राजा नाम रखे तो कोनो राजा नहीं हो जाए। अब बस भी करो यार, दोस्ती पर हाथ बढ़ाओ। गांव के बनिहार भुतहार संग दोस्ती बनाए के और रिश्ता बनाए के मोला कोनो शौक नहीं है। अरे तोर जैसे घटिया आदमी से दोस्ती करके मोहुल कोई शौक नहीं है समझे? अरे आज तक साल एक ठन टूरी नहीं पटा सकी। अरे तो टूरी पटा हमार बाबा हवे। सही में रे? अरे हवे माँ कसम, हमार बाबा जब कॉलेज जाए ना तो हमार बाबा देखते सार कॉलेज के जम्मो टूरी में बाबा ले चिपक के जाए बे। तोर बाबा फेविकोल चुपर के जाए का बे? अरे नहीं बे, हमार बाबा तीर ऐसे छत्तर ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले छत्ता बे। झूठ बोलता का बे? अरे नहीं बे, ओ नान कुन छत्तल हमार बाबा जब खोला है ना तो गोवर्धन पहाड़ सम फैल जाए बे। ऐसे लगे जनो मनो हमार बाबा कृष्ण कन्हैया है, आई ओ गोवर्धन पहाड़ ला उठा है और कॉलेज के जम्मो टूरी मन हा गाय बछरू कस हमार बाबा के चारों मुड़ा में घूमत है और अंग अंग ऐसे कही के हमार बाबा गोड़ हाथ ला चाटा थे तो इसे लागे बे। ते अपन आखिल देखिस भाई, सियान मन बताए नहीं बे। आ, चल बे साले गप्पी, हमार बाबा के बारे में जानता रे। तोर बबल मारे साले 50 साल हो गए, ओकर बारे में जान के मैं काय कर हूँ बे। हाँ, नहीं जानस ना तो सुन हमार बाबा की हिम्मत के बारे में। एक बार इसने हमार बाबा का चोर खुसर के चाकू धरे। हाँ, 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 तहन का हो इस रे? चोर धीरे धीरे हमार बाबा सुते रहते कराई और मुड़सेरी एक चाबी निकाल लीस। फिर हमार बाबा की हिम्मत ल दे दौड़ के चोर के हाथ ला टप ले धर लीस। वही ना कहीं निकलिस बे, हमार बाबा आलमारी कोती जान दे कहीं कीस। फिर हमार बाबा की हिम्मत ल दे तहन का हो इस भाई? अरे दादा रे, आलमारी के सबो पैसा कौड़ी रुपया गहना गुठा सब ल निकाल लीस। फिर हमार बाबा की हिम्मत ल दे तो जरूर दौड़ के टप ले चोर धरी सो ही रे। चुप ना बे, बीच में छेरी का लफ ले मार देता। हां तहन का होइस भाई? सब बोल धर के चल दिस चोर हा। फिर हमार बाबा की हिम्मत ल दे तहन का होइस रे? तहाले हमार दाई आइस और बबल एक झापड़ मारिस और कीस
चोर सारी चीज ला चोरा के लेगा थे और ते बोटर बोटर देखा था बोटर ना नहीं तो ऐसे कही के फिर हमार बाबा की हिम्मत ल देख ए बेखत तो तोर बाबा हा तोर दाई ला चट ले मारी सोही रे ना है ना बे दाई ला किस ओ चोर फिर से कुचिल वापस हमराय पर आही नहीं तप ले धरू ऐसे कही के फिर हमार बाबा की हिम्मत ल देख तोर बाबा आरुक डरपोक ना रिस करे साले चोर हा चोरी कर एक बाद में चाबी लुही जगह में रखे व रही बे लागे रही थे या छोड़ ना बे वो पुराना बात ला ओ देखो देख ठंठन आ थे चल बे तोरो बर मोरो माया लागे रही थे कसबे साले ये लौठी धर के ते काले जात हस बे हैं ये लौठी हमार बाबा की लौठी है बे ये लौठी में अब्बर जादू है चल बे लौठी में का जादू रहे बे तुम लोग क्या जानोगे बे नानकुन तारिया के नान नान मेज का लोग इसी लौठी से महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को खेदारा था बे हा? हमारा बाबा महात्मा गांधी का संगवारी था हा? दोनों कोई कई घाव जेल गया और जब देश स्वतंत्र हुआ ना तब महात्मा गांधी ने ये लौठी को हमारे बाबा को देते हुए बोला साहू जी लो मोर चिन्हा कही के जब तक ये लौठी तुम्हारे पास रहेगा कोनो बैरी दुश्मन तुम्हारे तीर में नहीं ओधेगा करके यही लौठी है बे चलो बे पाँव पर साले एकर का पाँव पर ही बे अच्छा यही लौठी के कारण टुनटुन तोर तीर में नहीं ओधे बे सही के थसका भाई चल बे कहीं गिफ्ट विफ्ट दे तब तो इम्प्रेशन जम ही साले है ऐसे ना गिफ्ट लाने हो ना टुनटुन पर कहा लाने हैं तेरे ये भोको लारू लाओ भाई टुनटुन ला बहुत पसंद है यार बढ़िया पैक करा के लाओ हाँ तेरे साले भोको लाड़ू वाले एक लौठी लौटी बे और बे एक गिफ्ट ल मोला और ये गिफ्ट ल धर अब ये ला देवे तहन देख बे टुनटुन टुनटुन अरे ते कते बिलम खुसर गए हैं टुनटुन टुनटुन तोर बाल लाने हो या माया के फूल ऐसने माया करे जाते माया करे हमार बाबा माया करे बरहे ना तमार बाबा कले सिक्के आ कहाँ मरघट में हाय बनाने वाले ने काट बनाए यार सुनो समझ गए उस्ताद पढ़ते जल्दी आबे हन हो ए छमिया देखा था तो लाज मोर से कौन बचा थे ऐसे डायलॉग मारू तहां तक तुरंत आ जाबे हो छोड़े बर थोड़ी न धरे मोर जान जल्दी बोल रहा हूँ छोड़ दे कमीना नहीं ते चिल्लाबे यही कार दूँ आके बोल ना बे ए छमियो आज तोला धमली आवाज आई वो छमियाला मार के चमकात हुई अबे जल्दी वो डायलॉग ले बोल ना रे अबे तोर मौत आएगा बे जल्दी वो डायलॉग ले बोल ना रे तब मैं आऊं सब बता गया कि बचे गलती हो गई अभी दे दे अबे साले हो इतनी भैया से नहीं उतनी बड़ी से मारे मामा चलो भाग ले थैंक यू मैं चला जल्दी वो डायलॉग ला बोल ना पे तन में आ तुमन कौन हो बे नरसिंह उस्ताद उस्ताद वो डायलॉग लो नहीं बोले पा रहे तान असल हीरो आ गए उस्ताद कौन असली हीरो बे नहीं जाना सरकार थोतने थोतने अलमारी से ए स्वीटी उस दिन वाला तेरे हीरो था ना वही राजा छत्तीसगढ़िया सुना है उसका भी एडमिशन हमारे ही क्लास में हुआ है अच्छा तब तो बहुत मजा आएगा ओकर संगवारी ठनठन ओकरो का इंचे एडमिशन हो है या हो छोई तो ते किसी का डर मेरे मैं काहे नहीं करो या
अच्छा है कहा तो बेचारा हा। हमरे क्लास में पढ़ता सिया। एसवीटी आ गया तेरा हीरो राजा छत्तीसगढ़िया। अरे हर राजा देखो काली वाले टूरी मोलक कैसे डाटा कराते मोलक कैसे कैसे लागत है भाई। कॉलेज ते पढ़ाई करे बराज धन फेटियाली करे बराज। यही तो कॉलेज के असली पढ़ाई है यार। अरे का कर डालो राजा वो दे टूरी मोल चुम्मा दीस भाई। अबे वो तोला हवा में चुम्मा दे थे तो साले बहिया गए हस कहूं सही चुम दे ही तो मरी जबे का रे सही मर जाऊं भाई मां कसम। चुबे अरे दासड़ा रे लव लेटर है भाई यहां दिल्ली का छपा है बे पर सुना अबे मुल्ला मेरे दिल के आईने में तस्वीर है तुम्हारी। कैसे कहूं जुबां से जो दर्द है हमारी। तुम प्यार की नजर से एक बार देख लोगे समझेंगे इस जहां में कुछ कद्र है हमारी। अब तुम्हारे बिन एक पल भी जीना मुश्किल है मेरे जानू तुम्हारी प्रियतमा। अरे यार राजा ऐसा मौका बार बार नहीं मिले यार तुम भेजना हवाई जहाज। काश मोला कोनो टूरिस्ट ने हवाई जहाज भेजतीस ना तब मैं खुद होकर तीर उड़ा के चल देते जल्दी लिखना बे। मैं नहीं लिखूं बे। ते नहीं लिखा तब मैं लिख दूं का भाई। सही लिख दूं का बे तो ठीक है लिख देता हूँ उहू का याद रखी नेकी और पूछ पूछ। अरे स्वीटी जल्दी पढ़ना क्या लिखा है उस हैंडसम ने। जैसे संगमर है दारू पहुआ के वैसे तोर मोड़ जोड़े गोबर झमुआ के। मन के आईना में रखे तोला सजा के दिल के खरही में गांधे और छेना बना के पैसा बोगराए और तोला है बुला और गुल्लर के होगे सुदबुद नास। तोरे नाम तो बता दे गोबरहिन झकास गुस्सा रिसाई करे करीजा क्रॉस। अब नाम तो बता दे गोबरहिन झकास आगे दोनों कोती बरोबर लगे है मोर बुलबुल जस तोर हाल दस मोर हाल बस एक चुम्मा के अगोरा में तोर बैया पगला दीवाना। ए जाना रे एक चुम्मा दे दे गोबरहिन झकास। तू चुप कर इसको तो मैं मजा चखा थी। ए, 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 यू नॉनसेंस गवैया तेरी हिम्मत कैसे है मुझे ये लव लेटर लिखने की और तूने मुझे गोबरहिन डूरी कहा। कैसे और ब्यूटीफुल अंग्रेज की औलाद तोर कैसे हिम्मत हो इस मोला लव लेटर लिखेंगे। वो लव लेटर मैंने तुझे नहीं लिखा था इस टुंटू ने लिखा था उस टंटन के लिए इसको उड़ाना नहीं आता था इसलिए मैंने इसे उड़ा कर फेंका था। तो मैं हाँ तो कौन से लव लेटर लिख रहे हो वो तो ठंडा लव लेटर लिख रहे टुंटू ला और वो किस मोला की मोला उड़ाए बर नहीं आते घर से तिर मैं घर से तिर उड़ा दे रही मन नागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए टूटे फिर ना जुड़े जुड़े तो गठ पड़ जाए। बैठ जाओ प्रेमियों बैठ जाओ कवि कहते हैं कि दो प्रेमियों के बीच टेंशन का कोई काम नहीं है क्योंकि अगर खींचतान हुआ तो प्रेम का धागा टूट जाएगा और जब प्रेम का धागा टूट जाएगा तब क्या होगा और प्रेम के धागे में गांठ नहीं पड़ना चाहिए सर। जो घट प्रीति न प्रेम रस पूनी रस ना नहीं नाम टेनर पशु संसार में उपजी मरे बेकाम। इसीलिए कहता हूँ लड़ो मत प्रेमी प्रेम करो प्रेम। इस प्रेम में इतनी शक्ति है कि वह वृद्ध को भी युवा बना देता है। सर घंटी बज गए बाकी के प्रेम लग कल कर ले वो सर आपके पीरियड खत्म हो गए। इस घंटी को भी अभी बजना था कितना अच्छा सब्जेक्ट था प्रेम। सर मैडम वेट कर रही है आपका प्रेम करने के लिए। सॉरी सर क्लास लेने के लिए। कहाँ है मैडम। कैसे भी तुम सबों जन चश्मा लगा के आया
उतन उठन चश्मा काबर लगा हस बया तो हो नहीं जाना यार ये पढ़े बार आओ ये टूरिल देखे बार टूरिल देखे बार ए अंद्रियस का 5.5 फीट के आदमी खड़े तो नहीं दिखा देता ए अंधा होगा तू तेरा खानदान एक तो बीच रास्ते में खड़ा ऊपर से बात करता है साला ये टूरी बग्याय घोड़ी है राजा एला लगाम लगाना अत्ते का आसान नहीं है अबे मैं बड़े बड़े गोल्लर ला नाथ दे तो ये का चीज है राजा पर ऐसे ता एला पटा के बता रहे साले जिंदगी भर गुलामी करूं मैं अबे मैं यहां पढ़े बार आ ना टूरी पटा बार आ बे ते नहीं पटा सकास तो नहीं पटा सकूं कि घर मार लेना जी पढ़ाई बहाना काबर करता कस रे प्रेम अबे तुमन राजा ला चैलेंज करा था एक महीना के अंदर अगर ये टूरी ला ना पटा देओ ना तब मोरो नाव राजा छत्तीसगढ़िया नहीं ऐसे तब देखता एक महीना बाद जिन हार जीते पार्टी दी कैसे तब बाकी सही बात ऐसे तो ठीक है लो मैं आजे ले बिजहत छींच देता हूँ कसरे प्रेम आज यह बीजा छीता थे काली चीकी फूट जाई काली जल्दी जा बॉल प्लीज जन बॉल मारे है तेन ला भेज ए स्वीटी तोला बुला रे ए बॉल दे नहीं दूंता Excuse me, सीधे तरह से बॉल देता है या नहीं? नहीं दूं तो का कर ले बेटा है, हां? ए तुम जानते नहीं हो ना मैं किसकी बेटी हूँ? जानता हूँ बहुत अच्छा से जानता हूँ। हमर बाजू वाले गांव चुचुरुंगपुर के खोरबहारा इंस्पेक्टर के बेटी ता। मेरे पापा का नाम तमीज से लो। उनका नाम के आर वर्मा है। के आर वर्मा। के आर वर्मा यानी खोरबहारा राम वर्मा। चुचुरुंगपुर वाले खोरबहारा राम वर्मा इंस्पेक्टर। सीधी तरह से बॉल दे दो वरना देख तब प्यार से मांग देना तो मैं सरबस दे दूं और कहूं टेसी आवे ना तो बहुत अच्छा से जानथस मुना अच्छा बोल दीजिए प्लीज लीजिए प्लीज ए नखरा वाली कमजोर झन समझ बे सवाल बोले
लहसुन मिला दे, तोर कुकरा ला समझा दे, कमजोर झन समझ बे, तोर कुकरी ला बरस दे, अरे नहीं जाना कहूँ बगिया जाही वो। गोरा बदन मा झनकर गुमान कुंवर काया मुरी जा जाही वो। प्रीतम उस्ताद, वो राजा टुरक भाव बहुत बाढ़ा थे। अबे बाढ़ा दे ओकर भाव तो ऐसे गिरा हूँ साले रद्दी के लायक खलो नहीं रह जाई। अरे ओकर भाव ले जब गिराबे तब गिराबे, वो साले तोर माल में डाका डाला थे। अबे सोच सोच बोल का बोलना चाहता। अरे उस्ताद वह स्वीटिल पटाए कोशिश कर रहे थे। स्वीटिल पटाए के कोशिश कर, मतलब मोर माल में डाका। मतलब मोर पे डाका। प्रीतम के में कोनो नजर खड़ा थे ना, तो प्रीतम ओकर आंखी लान नोच ले थे। 8 दिन बाद वृक्षारोपण कैंप है, सुने हाँ राजा और स्वीटी दोनों जन जात है। अबे दोनों नहीं, तीनों बोल, महो तो जाऊँ रे। अच्छा के देखूं वो राजा हम मोर पे कैसे हाथ डालते। हमार बाबा एकन ऐसे कुकरी पोसे रहा है बे, ये बड़े कुकरी, ये बड़े। चल बे कोई कुकरी या हब बढ़ रही बे। अबे नीचे खात तभी रखे नहीं हो बे, ये बड़े कुकरी। ओ कुकरी है ना, हमार बाबा की सारम काम करे बे, समझे। एकर बैठ कुकरी कहा है ता उही कर कुकरी है बैठ जा। एक दिन उड़ा तुरा तो कुकरी है ना, बीतर ये खम्भम जाग बैठ गए बे। अरे दादा रे, हमार बाबा बोली ए कुकरी अंडा दे। अच्छा। और अंडा दे बे पानी में नहीं गिरना चाहिए की। हाँ कुकरी अंडा दीस बे। फिर पानी में नहीं गिरी साले। अरे कैसे नहीं गिरी सोही यार, पानी में गिरी सोही बे। अरे नहीं गिरी ना बे, गिरी सोही पानी में। अरे हमार बाबा बोल दिस पानी में नहीं गिरना है, मतलब नहीं गिरी। अरे तो कैसे नहीं गिरी सोही बे। अरे कुकरी चड्डी पहरे रिस ना बे। ओ भी इलास्टिक लक्स कोजी। अरे वाह, और हमार बाबा के बारे में जानते हैं। कहाँ जाता है? कॉलेज जात हूँ यार, पढ़े लिखे बार यार। अरे गुले गुलजार है, जाने बहार है। अरे कॉलेज जाके क्या करेगा यार, आज तो इतवार है। आज इतवार है? हट यार, भगवान है इतवार ला काबर बनाई छो यार। हाँ आज इतवार है, ठंडन बीमार है। हम समझते हैं बेटा, टुनटुन से तुमको प्यार है। का बताओ यार, ओकर माया में इतना जखा सही खो गया हूँ कि मोला इतवार सो मार के सुध बुध नहीं रहा यार। तो फिर वो कांटा वाले फूल दे रहे थे, मैं काम नहीं जमीस करे। अरे नहीं जमीस रे, उल्टा मोला जमा दे। काला गोठिया बे, तुम अंदे रहे हो कांटा, पड़ गए मोला चाटा। ये दर हमार तीर ऐसे आइडिया है ते बोचक नहीं सके रे। बोचक नहीं सके, बताओ कर प्रेम आइडिया ला। बताओ बताओ बताओ, आई इससे पूछते हैं रे, इससे एक्सक्यूज मी प्लीज। आई का होगे बहनी, ये ठंडन जी कहाँ मिलेंगे? आई वो तहु मल्ला काटा गड़े इसका आया काटा। What do you mean by काटा गड़ाईसिया? वो दिन बहिनी, वो हम मोला काटा गड़ाई से ना, ते अभिन ने बिछी आवत है या, बाँच के रहो ओकर से, अब बड़ बदमाश है वो। हा आई ये क्या कहती हो बहन, ठन ठन जी के उसी यादन ने मुझे दीवानी बना दिया। रोज हम लोग ना व्हाट्सएप में चैटिंग करते रहते हैं। हाँ। पर क्या करें सिस्टर, वो किसी टुनटुन नाम के लड़की का दीवाना है, हमको तो ब्रेक ही नहीं देता। इसी को कहते हैं बहन, जब गधी पर दिल आ गया तो ये परी क्या चीज है, क्या है उस टुनटुन के पास जो हमारे पास नहीं है? अब तुम ही बताओ सिस्टर, हम में भी क्या कमी है। पर देखना, एक न एक दिन मैं उस ठन ठन को उस बदमाश टुनटुन से जरूर नंगा लूंगी। ये ठन ठन जी कहाँ मिलेंगे सिस्टर? ठंडन जी तो बीमार है या, वो तो बड़े अस्पताल में भर्ती है। ओह नो, ठंडन जी बीमार है, बड़े अस्पताल में भर्ती है। आ रहे हो ठंडन जी? ठंडन मोर से छीने पर आ रहे रे, बिलैती पीला हो। ठंडन टुनटुन,
ठन 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 काली मोर से अब गलती हो गई से ठन ठन मैं तो लग कांटा के बदला में चाटा मार दे रहे हैं ले कहीं नहीं होया मया के मार हा अब बड़ मीठ होते मोर हरे इवन कौन है अरे कांग्रेचुलेशन ठन ठन बधाई हो यार अब तो साले तोर चांदी है चांदी बेस्ट आप लग तोर काम जम गए ना हा? अब हम निकले थन ओके बाय बाय टाटा अच्छा ते हम उसे दगा करे आज गुड मॉर्निंग पापा गुड मॉर्निंग बेटे कॉलेज जा रही हो हाँ पापा पापा प्लीज गिव मी 5,000 रुपीज 5,000 रुपीज बेटे इतने पैसे का तुम क्या करोगी पापा मैं कॉलेज से आते वक्त ना मॉल जाऊंगी और मॉल जाकर मैं नए नए ड्रेसेस खरीदूंगी बेटे पैसे तुम ले जाओ मुझे पैसे देने में कोई एतराज नहीं है ठीक है पर बेटे वो जो तुम ड्रेसेस पहनती हो ना मुझे पसंद नहीं है बेटी ठीक है देखो बेटे अब तुम शादी के लायक हो गई हो ठीक है अरे एक काम कर सकती हो तुम ना अपने लिए कुछ साड़ियाँ और सलवार सूट खरीद लो क्यों पापा आप किस जमाने की तकियानुसी बातें कर रहे हैं यू नो ना आई डोंट लाइक दिस कल को तुम्हारी शादी होगी तो क्या तुम ससुराल में ऐसा ही ड्रेस पहनोगी ऑफ कोर्स पापा आई विल अरे बेटा क्या ऐसे ड्रेस में तुम्हें देखकर कोई तुमसे शादी करेगा तो ना करे मैं वैसे भी ऐसे लड़के के साथ अपनी लाइफ स्पॉइल नहीं करना चाहती जो मेरे इन कपड़ों को देखकर मुझसे शादी करेगा ओफो ये लड़की पापा ये मेरी लाइफ है मैं जैसे चाहूंगी जीऊंगी और जैसे चाहूंगी वैसे कपड़े पहनूंगी बेटे शादी के बाद हर लड़की को ससुराल के हिसाब से ढलना पड़ता है वैसे भी मुझे शादीवादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है पापा और मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ तेरा तो भगवान ही मालिक है लड़की ये ले थैंक यू पापा बाय पापा बाय बेटे काफी बड़ा है कुछ नया कलेक्शन हो तो दिखाइए ना ये स्लीव्स नहीं होने चाहिए कुछ स्लिप स्लिप्स टाइप का दिखाओ ना अरे कभू ये साड़ी पहन के देखो एकदम चकचक ले लगबे एकदम झम दिखबे माँ कसम तुम यहाँ भी आ गए तो कहाँ जाऊँ तो जहाँ जाबे मैं वहाँ आऊँ मर जा नॉनसेंस क्या करूँ इतना सब प्यार कर प्यार यू आर जस्ट सो डिस्गस्टिंग अरे सुन तो कामे मेर बैठ सका था जी व्हाई नॉट व्हाई नॉट प्लीज सिट थैंक्स कालू आप चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक्स कॉफी वन कॉफी मैं सपना आप मैं जीतू जीतू सिंह हेलो जीतू ओदिन के सहयोग पर थैंक्स अरे सपना जी ज्यादा चनक झाड़ में जन चढ़ाओ नहीं तो मोर कन्या कुबर टूट जाई लो कॉफी जीतू जी एक रिक्वेस्ट है आपसे बोलो सपना जी आज फ्रेंडशिप डे है का आप मोर से दोस्ती करूँ जीतू जी दोस्ती करना है तो जीतू जी से ये जी शब्द ला हटायल पड़ी खबर के मोर नाम जीतू जी नहीं सिर्फ जीतू है सपना जी मोर नाम भी सपना जी नहीं सिर्फ सपना है जीतू जी फिर जीतू जी ए मोर तरफ से एक छोटे से गिफ्ट थैंक यू सपना फिर मोर पास तो कोई गिफ्ट नहीं है तोला देबर कोई बात नहीं मोर गिफ्ट तो मोला मिल गए है तोर गिफ्ट ला भगवान मुला दे दे है जिखर आगुमा दुनिया के हर गिफ्ट छोटे है का दे दे है? मैं समझो नहीं ते समझ भी नहीं सकस जीतू खैर छोड़ संडे हमन पिकनिक जाथन तहु चलना अरे नहीं सपना मोर बचपन के मित्र ला जवान दे हो संडे ओकरे घर जाना है खैर कोई बात नहीं फिर कभी
अरे खुश रह जीतू बेटा, खुश रह। अब्बड़ दिन में आथस बेटा। हाँ बड़े पापा, ये साल फाइनल ईयर है ना, और कोर्स गलोग ज्यादा है, पढ़ाई लिखाई में ज्यादा समय देल पड़ते ना। पाए लगी बड़ी माँ। खुशी रह बेटा, अभी आया है जीतू। हाँ बड़ी माँ। ले ठीक है, बैठ बैठ ना जीतू, बैठ। जी बाबूजी नहीं दिखत बड़े पापा? अरे तोर बाबूजी ला समाज सेवा करे ले फुर्सत मिली तब ना, अरे गे हो ही कोई मजदूर बनिहार के छठी ना होन मा। गरीब गांव वाला मन के सुख दुख के साथी बनना कोनो गलत बात है क्या बड़े पापा?
बिल्कुल गलत बात है बेटा। कभी पैर के जूतीला सिर के साफा नहीं बनाया जाए। अरे आप भी ना भैया, दुनिया कहां ले कहां पहुंच गए, और आप आज भी वही मालगुजारी रुआब में अटके हो। अरे ही मालगुजारी रुआब तो हमारे खानदान के शान है छोटे, और एकर बिना तो हम जिए के कल्पना घलो नहीं कर सकल। हमार बाप दादा गांव के बनिहार मजदूर मल्ला हमेशा अपन जूती के नोक पर रखे हैं। अरे भैया तैया के गोठला बैया लेगे, आज गांव के जम्मो मनखे करा जिए खाए के पूर्ति खेती किसानी है, जिए के साधन है। सरकार उनला अलग मदद कर रहे, कोनो हमर रहमो करम में नहीं जिए थे। आज गांव वाला मन संग बने व्यवहार नहीं रखबो ना, तक खेती किसानी बर मजदूर बनिहार घलो नहीं मिली। पहले बाबूजी खुश रह बेटा, तोर पढ़ाई लिखाई कैसे चलत है जीतू? ठीक चलत बाबूजी। और प्रीतम बेटा के? ओकरो ठीक चलत बाबूजी। तोर भाई है बेटा प्रीतम, हाँ ओला समझाए कर पढ़ाई लिखाई आजकल बहुत जरूरी है। जी बाबूजी। मैं तो प्रीतम ला कह दे हूं, भाई तोर जब तक इच्छा करे पढ़, नहीं तो गोली मार और माल गुजारी संभाल कहके। अरे भैया पढ़ाई लिखाई के जीवन में बहुत महत्व है, एला समझाओ आप। देख सज्जन, तोर और मोर सिद्धांत में जमीन और आसमान के फर्क है, देखर से ती ये विषय में बात करना बेकार है। आप ल जैसे समझ में आते तैसे करो, घर के लड़का कह के बोल पड़ता। जीतू बेटा नाश्ता कर ले। हाँ बड़ी माँ। ले बेटा, तोर बड़े पापा अड़ियल घोड़ा तो आए बेटा, का कर बे बुरा झन मान बे। अरे नहीं बड़ी माँ, कैसे बात करता, अपन सियान मन के बात ला कोनो बुरा मानते का? देख ना बेटा, प्रीतम ला उल्टा पुल्टा शिक्षा दे के बिगाड़ डले है, कौन जानी भगवान हो का नसीब में काय लिखे है। सब ठीक हो जाई बड़ी माँ, चिंता झन करो, भगवान ऊपर भरोसा रखो। अब ओखरे भरोसा तो है बेटा, ए साल दोनों जन के तुम्हार परीक्षा पूरा हो ही नहीं तो घर समलैया लक्ष्मी असन बहु ले आबोन। अरे परीक्षा ला तो होन दे बड़ी माँ, तान सोच बोन कोनो लड़की पसंद करे इसका बेटा। तो ना बड़ी माँ। हाँ मैं समझ गयो, ते हासा थस माने कोनो लड़की पसंद करे है, कोने बताना। अपन माला तो जानो तक को नहीं, जब ले हो संभाले हो तब ले आपे के गोदी में पले बड़े हो। आप मन कर का छुपाऊं, मोर कॉलेज में पढ़ते बहुत अच्छी लड़की है। सुनत हो जी जीतू है अपन बर लड़की पसंद कर डले है। चुप रख बेवकूफ, जीतू है लड़की पसंद कर ले है, हट बड़ा बात कर था। अरे हमार खानदान के रिवाज है कि बहु पसंद करे के काम घर के सियार मन करते, और बुजुर्ग मन जिया चाहते उन्हें शादी होते, समझे? अरे भैया फिर हुई दकियानुसी बात, अरे पढ़े लिखे लड़का है अपन पर लड़की पसंद कर ले है, तो मैं गलत का है? बिल्कुल गलत बात है सज्जन, मोर जियत जी ऐसा नहीं हो सका। अरे ठाकुर खानदान के लड़का है, कॉलेज के लड़की पसंद करे है, करे चाहे शौक पूरा करे मस्ती करे, हम कहा रोकत हैं जी, फिर शादी तो उन्हें हो ही जी हाँ हम चाहबो। आपके सलाह और आशीर्वाद के बिना कोनो काम करे हैं का बड़े पापा? वो तो बड़ी माँ पूछत रही तेकर से दिल के बातला बता पड़े। तोर दिल के बातला तोर दिल में ही दफन कर दे, यही तोर बर अच्छा है और यही में सबके भलाई है, समझे? जी बड़े पापा। राजा। अरे जित्तू आजा आजा। अरे वाह बाबूजी, माँ देखो तो कौन आए। बैठ बैठ, तैं इतवार के यहाँ के है, इतवारे के आगे से आते हैं। कौन आया बेटा? हाँ चिन्ना का कोने तेला। पहला की बाबूजी। अरे जीतू बेटा खुश रह खुश रह। तैं जीतू चिंडा रहेगा? वारे कैसे मैं चिनू बेटा, तोर बचपन के संगवारी है, गांव के मालगुजार शमशेर सिंह के भतीजा है और सज्जन भैया के लड़का है, कैसे नहीं चिनू रे? सुन जीतूला चाय पानी पिला, मैं सरपंच यहाँ ले आवत हूँ। पहला की माँ खुशी रह, बैठ 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 खुशी रह, बड़े दिन में हमारे घर डर आये बेटा। काय कर बे माँ, पढ़ाई लिखाई में समय नहीं मिले, गांव आना बहुत कम होते। ले बने ही बने पढ़ बेटा और बहुत आगू बढ़, बस आप पे बड़े मन के आशीर्वाद है माँ। हमारे मन के आशीर्वाद तो हमेशा रही बेटा। जी माँ। ले बेटा पानी। छुटकी नहीं दिखत माँ? हवा है ना भीतरी माँ, चाय बनावा थी छुटकी। हाँ माँ आवत हूँ। सांझ के चाय जरूरी रहते। हाँ यार बहुत जरूरी है, है? सही बात, छुटकी वैसे अच्छा चाय बनाते हैं।
और वो छुटकी अब छोटे नहीं रही, बड़े हो रहे, देख के तो पहचान भी नहीं। ये मोर तरफ से एक छोटे से गिफ्ट। तोर दिल के पापा तोर दिल में ही दफन कर दे, समझे? तो तबियत तो ठीक है ना? यही छुटकी है? तो चक्कर खा गेस ना, मोला अच्छा से पता रिश्ता नहीं पहचानता अबे। फिर हमन तो एक दूसरे ला चिंतन भैया, हमरे कॉलेज में ही तो पढ़ते। ये देख लो, बाबूजी घलो जीतू ला चिंते और सपना घलो जीतू ला चिंते, एक महीनों जन कुछ नहीं जानो। अच्छा सुन, मैं और सपना एनएसएस के कैंप में जाथन, तय जाथस कि नहीं? मैं नहीं जा पाऊं यार, जरूरी काम है। अरे मोर खातिर चल यार, अब ते कहा था तो जायल पड़ी। हाँ, बहुत मजा आई। ले भाई। जैसे आज ही पौधा ला लगाथन, वैसे हमरो जीवन के सुख के पौधा हम दोनों मिलके लगाते हैं जीतू। शायद हमर नसीब में ये दिन नहीं है सपना। ऐसा झन बोल जीतू, आई लव यू। ये का बोला था सपना? जे दिन लाइब्रेरी में तय मुला और राक्षस से बचाए रहे, मैं तो उही दिन से अपन दिल तोला दे चुकी हूँ जीतू। देख सपना, ते बहुत अच्छी लड़की है, महू तोला चाहता हूँ। फिर जब तहू मुला चाहतस त फिर का जीतू? सपना, राजा ला जब ये बात के पता चली तब वो मोर बारे में का सोची? ते राजा के दोस्तस, ये बात पता चले के पहली ही मैं अपन ख्वाब सजा चुकी हूँ जीतू। ख्वाब और हकीकत में फर्क होते सपना, हकीकत ये है कि राजा मोर दोस्त है और तय मोर दोस्त के बहनी हस। राजा के बहनी हो तय मां मोर का दोस्त है? दोस्त काकरो नहीं है सपना, मोर सौभाग्य होतीस अगर तय मोर जीवन साथी बनतेस। मैं जिंदगी के ऐसे मोड़ में खड़े हूँ जहाँ एक तरफ माया है और दूसर तरफ मोर दोस्ती है। जीतू, फिर मैं जे सपना समझे हूँ ओखर का हो ही? अपन सपना ला तो सच करे पर सबो जीते, फिर दूसर के सुख पर अपन सुख के बलि दे मां ज्यादा सुख है। प्यार अमर ही सपना, मरे नहीं। तोर और मोर दिल के अंदर हमर प्यार के एहसास जरूर जिंदा रही, हमला अपन प्यार के बलिदान देना पड़ी सपना। मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा मौसम आज बेईमान है सिटी। ऐसन सुहाना मौसम, सुनसान जगह, एकांत, इमतोर ऐसा समय में कोनो सुंदर लड़की लम अकेला देखतो ना तो मैं खुशी से पागल हो जातो। कमीने छोड़ मुझे, बचाओ। ऐसा कम से काया, तुर सुंदर रूप ला देख कोनो भी कुत्ता कमीना हो सकते सुटे जी। फिर मैं तो जन्मजात कमीना और कुत्ता हूँ। अबे कमीना, तोर और तोर जुठ लंगरा कुकुर मन बर तो सिर्फ राजा छत्तीसगढ़िया काफी है। सोच भाई, यहाँ ले जाता कि नहीं रे? अबे जाना होतीस तो मैं यहाँ आते हूँ काबर रे कुल्हा। लगते तोर मौत मोरे हाथ लिखाए है। जिंदगी और मौत जो है ना ऊपर वाला के पास है, ज्यादा भरम मत पाल। तोला आखिरी बार चेतात हूँ, वो टूरी सूटी ला मोर हाथ में सबके फूट ली यहाँ ले। अबे राजा इसे मनखे नो है जो उन मौत के डर से एक असहाय नारी ला तोर जैसे शैतान के हाथ में छोड़ के भाग जाए। मतलब तोला मरना तय है। ए, मारे साले ला। राजा, थैंक यू राजा। ओ खर कोई जरूरत नहीं है, तो ला आदमी पहचाने नहीं आएगा। अरे भगवान हर नारी ला पुरुष के नजर के भाषा पढ़े के शक्ति दे है, क्यों ला कौन हा कौन से निगाह से देखते ते कभी नहीं जान पाए। प्रीतम जिसे पापी मन के दुनिया में कोई कमी नहीं होता है। आई एम सॉरी राजा, आज तुमने मेरी इज्जत बचाई राजा, मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। आई लव यू राजा। कद का आसान है ना आई लव यू कहना स्वीटी, लव प्रेम प्यार और माया के मतलब जानतास? एकर मतलब होते त्याग बलिदान और समर्पण।
और तोर जैसे लड़की। 15 दिन ले मैं तो रागू पाछू घूमत रहो, खर मतलब ये नहीं कि मैं तोर पीछू दीवाना हो गए। वो तो मोर दोस्त मन मोला चैलेंज कर दे रही, तेखर से तिर तोर पीछू पड़े रहे, नहीं तो तोर जैसे लड़की ला तो मैं देखना भी पसंद नहीं करूँ। ऐसा मत कहो राजा, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी। ताके मोर बिना जी नहीं पाबे। देख सिटी, मैं तोला साफ साफ बता देता हूँ, राजा ला उही लड़की से प्यार हो जेखर अंदर लोक लाज और मान मर्यादा हो, जिन राजा के माता पिता के सम्मान करी, जिन घर समाज के इज्जत करी, और वो तोर जैसे लड़की से कभो नहीं हो सके। गुड बाय मैडम। राजा वो साले राजा के तो मैं कुटी कुटी काट के कुकुर कव्वाला खवाऊं। बिल्कुल इन्हें करल पड़ी उस्ताद, जबरदस्त खबर लाओ उस्ताद। सुनू ना तो उछल जाऊ। अबे काने जन बता, खबर का ला है तेला बता। उस्ताद सपना टूरी है ना, ते राजा के बहनी है। हाँ अब मजा आही रे। ओकर काम बन गया, तो आंखें नहीं दिखे ना भाई। क्या काम साले, तो मैं सर पुदा दूँ, मर पुदा दूँ मैं। धर तो धर तो साले, बता तो धर धर बात कर धर साले और से। बाकी वो आदमी का मेचा रहीस यार, बाप रे साले वो कोई मेचा है बे है? मेचा तो रहीस हमार बाबा के, इतना लंबा लंबा मेचा दाढ़ी। अच्छा? इतना लंबा लंबा मेचा दाढ़ी ऐसे सड़क में घिरत रहा है। एक दिन हमार बाबा इसने मॉर्निंग वॉक में निकल के सुबह सुबह, अच्छा अच्छा अच्छा, मालूम पूरा रद्दा कचरा साफ, बाबा की दाढ़ी में इतना लंबा बे। क्या चल बे, कहीं मेछा दाढ़ी में साले वहाँ रद्दा साफ हो जाए। अरे हो गए, माननीय मोदी जी ले सफाई अभियान के आइडिया काकर से मिले रही थे। तोरे बाबा से मिली? हाँ, साले हमरे बाबा से मिली बे। कहाँ मिल जाए आइडिया, कहाँ मिल जाए। नरेंद्र मोदी तभी 2 साल होते बे प्रधानमंत्री बने थे, और तोर बबल मरे साले 10 साल हो गए बे। ऐसे गोठिया थे साले, आइडिया तो रहा साले हमर बाबा की रे। अरे सेफ आइडिया, पता नहीं कितनी बेर का बना देती, पता नहीं कितनी बेर का खड़ा कर देती। अमेरिका से ऑर्डर आए हमार बाबा तिर नांगर बना दे दाऊ जी। अरे दादर अमेरिका से? हाँ, इसने घाव, इसने दिल लगी, दिल लगी में घाव इतना बड़े निशेनी बना दी। हाँ की ओकर पक्तिर गिनत लेना, कत को गणितज्ञ फेल खा गए, हजारों साइंटिस्ट मन थर्रा गए, फिर ओकर पक्तिल आज नहीं गिन सकी। ओला उठाए पर ना, अरे पूरा बड़े बड़े क्रेन, हजारों लाखों आदमी बड़े बड़े क्रेन में वो निशेनी उठाइस ना, उठबे करी तो वो सीधा जाके बादर में टेक गेबे। वही तो गलती होगी ना तोर बाबा से, तोर बाबा की निशेनी बादर में का टेकीस। हमार बाबा 1 साल पहले मरे रहते, वही निशेनी बले उतर के आगे, और तभी हमार बाबा के दाढ़ी से माननीय मोदी जी लाड़िया मिले रही बे स्वच्छता अभियान के। साले छोड़ बे साले, तोर बाबा पूरा ला। अरे वाह ठन ठन आज बे। टुनटुन से तो टाका भिड़ा दे। अरे नैया पार लगा दे। जा बाबू एस कर बे। अरे माया के जाम पिया दे। हां माया के जाम पिया दे, कहीं था यार एक थापड़ा जमा दीजते। मिस छत्तीसगढ़ वाले, ओ मिस बस्तर वाले, आडिया काम में नहीं जा मिस का। कहां जा मिस बे, एक थपड़ा और जमा दीजते। अरे ये उतारी का आइडिया काम नहीं करिस खारे? नहीं करिस भाई। अरे ये दरी हमर तेरे कैसे आइडिया है, ते टुनटुन तोर माया के दीवानी हो जाही रे। सिर्फ तोर भाई, तोर टुनटुन के कसम भाई, ऐसे अरे निकालो कारे, निकाल निकाल दे। जम जाही ना, पहले देख मैं टुनटुन लपोटा दे, मैं तैयार हो जा। ऐसे थी हमारा आइडिया बाहर, और वो थी टुनटुन तोर दिल के अंदर। टुनटुन दे जा डबरा कोती, और हम बन जात है टुनटुन कोती। तुमन किसे कत होगा, और काम हिच्चा? जेन फोटो हमन धरे हैं ना, तेकर चेहरा तोर चेहरा से सेम टू सेम मिलते। तो मोर फोटो ले तुमन कार धरे हो? अरे हमन धरे नहीं है, धराएगे धराएगे। कौन धरा है? ओ ठंठन ला जानता है,
ठन रह ओकर मजल में अभी बता तू। अरे ओकर मजल ते बताई च नहीं सका। काबर काबर की वो अभी सुसाइड करेल गे है। आत्महत्या। अपन आत्महत्या करे के जिम्मेदार ओ तोला ठहरा है ये चिट्ठी मा। ये चिट्ठी में का लिखे है वहाँ? अरे सिपाही ये चिट्ठी पढ़ के सुना। ये चिट्ठी में लिखा है। का लिखा है सिपाही? मैं टुनटुन के प्यार में जका हो गई हूँ, फिर मोला टुनटुन खान से नहीं डारे, कम एक टन खोड़ा कुर्ती नहीं हो सका। ठन ठन लिखे है साहब, टुनटुन है तब है ये संसार है, और टुनटुन के बिना ये दुनिया बेकार है। लिखे साहब आगुल में नहीं पढ़ सको साहब। नहीं पढ़ सकते तो मोला दे। आओ लिखे है टुनटुन, मैं तोला पानी सको तो जा तो सकते, सूखा डबरी में कूद के मरूंगा और भूत बन के परेशान करूंगा। मेरे आत्महत्या के जुर्म में पुलिस तेरे को धरेगा और नंगत के छरेगा। दस्खत ठन ठन वल्द बाबू लाल आओ काली काए। हाँ, मने ठन ठन के आत्महत्या के जिम्मेदार ए टुन टुन है। हाँ, जेल जाए से तोला बचना है ना, तो वो ठन ठन ला बचा ले। छोड़ बोला। देखा जान नहीं, में नहीं छोड़ो। तोर प्यार में मोर माया कितना पल पल आता है। जाना तो मैं जाना अमला घास घलोक नहीं डारा। डारू ना ठन ठन, घास घलोक डारू, पेरा घलोक डारू ठन ठन। सही में? हाँ, सही में डारू ठन ठन, सही में डारू ठन ठन। हाँ हाँ। कैसे रिस मोर आइडिया बे ठन ठन? ए बेखत मोर आइडिया फेल हो रतीस ना, दस साले में अपन मुंचला मुड़ा देते हैं। अरे अच्छा, तो ये मन तोर संगवारी है और यहू तो नाटक है। प्रणाम पापा। खुश रहो स्वीटी। बेटा तेरी तबीयत तो ठीक है? हाँ पापा, आप कहते थे ना मैं साड़ी में अच्छी लगूंगी, देखिए, पर मुझे साड़ी पहनना नहीं आता पापा। रोती क्यों है बेटा, धीरे धीरे सीख जाएगी। मैं सब समझता हूँ, तुझे कोई लड़का पसंद आया ना। मुझे विश्वास है बेटा, जो लड़का तुझे पसंद आया होगा वो दुनिया में वन पीस होगा। आपको कैसे मालूम? जिस बेटी को मैं जीवन भर नहीं समझा पाया, उसे जिसने पल भर में चेंज कर दिया, वो वन पीस ही होगा ना। कौन है वो, क्या नाम है उसका? राजा, मेरे साथ पढ़ता है पापा। धीरे धीरे नहीं, जल्दी जल्दी ऐसे ही सा करना तो हूँ जल्दी एकदम। माँ राजा, ठीक से पूजा करा लेना बेटा, अति बड़े बड़े हो गए हो, फिर लड़का मन कस झगड़ता हो रे। ये लड़ाई झगड़ा तो भाई बहने के प्रेम है राजा के। माँ जल्दी बांध, जल्दी बांध। बांधत हो ना। अब दे मर गए। नहीं दो तो मत ले ले। अच्छा चल ये ले ले, ये ले। अरे खोल के तो देख। भगवान हा तोर जैसे भाई दे, ओखर दे बड़े मोर बर का गिफ्ट हो सकते? ओखरो ले बड़े गिफ्ट है, देख तो सही। मोर भाई ला कखरो नजर झन लगे भगवान, ओखर हर चाहत ला पूरा कर। मोरो एक ठन चाहत है कि अपन बहनी बर सुंदर सुशील पढ़े लिखे लड़का खोज के ओला डोली में बैठा के दुल्हन बना के विदा करो। मैं अपन भाई ला छोड़ के कभू नहीं जाऊं, मैं शादी नहीं करो राजा भैया। ये तो संसार के नियम है सपना, बेटी ला एक दिन चहचला पड़ते। मोला यार भगाना चाहत हो माँ। बेटी ये तो भगवान के लेख है, बेटी तो पराधन होते, माँ बाप ला दिल में पत्थर रख के एक न एक दिन बेटी ला विदा करेल पड़ते। का सपना,
पे माँ बाबूजी दोनों छंगला रोवा दे से यार। मैं रोवाना नहीं, सबला हंसाना चाहता हूँ भैया। माँ बाबूजी, महुराजा भैया ला एक ठन गिफ्ट देना चाहता हूँ। अच्छा तो दे। बाबूजी महुराजा भैया बर एक सुंदर सुशील भौजी खोजे हूँ। अच्छा तो कहाँ के है रे बेटी? ओकर फोटो शोटो है तो दिखाना वो। फोटो वोटो नहीं माँ, संवाद दिखा सकता हूँ अभी। कैसे राजा भैया दिखाओ का? दिखाई नहीं सकस। अरे जैन लड़की राजा छत्तीसगढ़ियाला पसंद आई ओला तो भी भगवान बनाच नहीं है। बना डरे है भैया, होती देख। आओ आओ बैठा बैठा। जय जोहार। जय जोहार। बैठा बैठा। खुश रह बेटा, जी था। खुशी रह मोर बेटी स्वीटी ला। अगर आप मन अपन घर के बहु स्वीकार लेते हो तो मैं अपन आप ला बहुत खुश नसीब समझते। कैसे बात करता हूँ सगा, आपके बेटी तो सुंदर है, पढ़े लिखे है, ऐसा संस्कारी बहु तो भाग्य से मिलते। संस्कार तो आपके बेटा राजा सिखाई मोर बेटी ला। जौन बेटी ला मैं जीवन भर नहीं समझा पाया, तेला वो चार दिन में रास्ता दिखा दिस। ये सब आपके दिए संस्कार आए। आपकी बेटी तो हमला बहुत पसंद है भाई साहब। और हमार राजा और आपकी बेटी की जोड़ी है गजब फभी। तो ठीक है, अवैया अक्ति के मोर स्वीटी है, आप घर के लक्ष्मी हो जी। हमला मंजूर है सगा। अरे करे जा चानी मोर राजा। अरे स्वीटी ते। हाँ मैं तो फैसला कर चुके हूँ कि अब मोला राजा के ही बन के रहना। ऐसे का? हाँ पर चल पहले खाना खा ले। हाँ तो मैं अभी आता हूँ। का साग लाने हस? हमारी भाजी। अरे तब तो जोरदार मजा आई। अरे खोलना जल्दी। ऐसने रोज लॉन पे बिहाग बा। मुला
तोर संग नहीं छूटे वो। माता गायत्री ले साक्षी मान के आज से मैं तुला अपन पत्नी स्वीकार करत हूं। आज तीन के साम आखिर तो हूं ही निकले रे। हाँ आखिर तोर खानदान के असर कहां जाए, दोस्त बन के छल करे रे। भैया 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 ये बात जीतू के कोई गलती नहीं है, जोन होए है सब मोर किस्मत के दोष है। तोला जोन भला बुरा कहना है मोला कहा भैया, तोला जाऊन सजा देना है मोला दे। सजा तो तोला जरूर मिली कार की एक भाई और माँ बाप के सपना ना टोर के जिन दोस्ती में गद्दारी करी आ सकते नता जोड़े हसना हमर घर के सब दरवाजा तोर बर आज से बंद हो गए। मर के समर सब जन करते हैं और तोला तोला तो मैं कभी जिंदगी माफ नहीं कर। भैया भैया चाय। बड़ी माँ तोला बहू देखे का बड़ शौक रही ना, ये देख तोर बहू। अपन बहुला आशीर्वाद दे बड़ी माँ। सौभाग्यवती रह बेटी, फिर अचानक ये सब का है बेटा। बाबूजी कभू कभू वक्त ऐसे दोराहम लाख खड़े कर देते कि ना चाहते हुए भी इंसान ला ऐसे कदम उठाए पड़ जाते जिम सब के भलाई हो। हम दोनों ला आशीर्वाद दो बाबूजी। सज्जन पूरा खानदान के नाम ला माटी में मिला दिस, तोर ये बेटा जीतू है, ओखर बाद भी तो राखी नहीं खुलिस, पुत्र के मोह में धृतराष्ट्र झनबन, धक्का मार के निकालिए नलायक ला घर ले। मोर चेतावनी के बाद भी ये गलती करे है, गांव के बनिहार किसान के परिवार ले हमर खानदान से रिश्ता जुड़ी एला मैं सपना में भी बर्दाश्त नहीं कर सका। आज से नालायक बर ये घर के सब रास्ता बंद, निकल जाए यहां ले दोनों। जैसे आपकी इच्छा बड़े पापा, चल सपना। रुक जी, तो अतेक बड़ फैसला अतेक जल्दी झन लो भैया, कम से कम एक दिन के समय तो दो। तो ठीक है, एक और फैसला कल ठाकुर समाज के बैठक में हुई। राधा कृष्ण सुंदरानी के जय जोहार। संगवारी मन आप मन के छत्तीसगढ़ी प्रोग्राम गीत संगीत नवा नवा फिल्म नवा नवा प्रोग्राम आप मन ला अब दिखी यूट्यूब के वीडियो वर्ल्ड रायपुर चैनल में। आप मन है अभी सब्सक्राइब करो वीडियो वर्ल्ड रायपुर, आप मन की कंपनी हवे। वीडियो वर्ल्ड रायपुर मोहन सुंदरानी की कंपनी हवे। वीडियो वर्ल्ड रायपुर आप मन के छत्तीसगढ़ के संस्कृति के कंपनी हवे। आप मन ला निवेदन करता हूँ वीडियो वर्ल्ड रायपुर के चैनल ला सब्सक्राइब करो और हमार उत्साह वर्धन करो। जय जोहार। सिर तुन कहत हो सच्ची नो है वो मसखरी। अच्छा हाँ सिर तुन कहत हो नो है वो मसखरी, चल वो टूरी चल चल माया करी हो चल माया करी। हाँ
जाना 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 रे आ जाना 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 रे अब मुला झन तरसाना रे आ जाना 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 रे आ जाना 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 रे आ जाना रे। बड़ा दुख के बात है के ठाकुर सज्जन सिंह आज हमर बीच में नहीं है। ईश्वर ओखर आत्मा ला शांति प्रदान करे। ये दुख के घड़ी में हम सब ठाकुर शमशेर सिंह और ओखर परिवार के साथ हैं। ओम शांति भाई। मोर भाई के मौत के कारण ओखरे नालायक बेटा जीतू हरे ये हरामखोर गरीब मजदूर परिवार के लड़की से शादी करिस देखरे से थी मोर भाई अपन खानदान के बेजितीला बर्दाश्त नहीं कर सकिस और यही सदमा में अपन प्राण त्याग दिस। ये नालायकला तो ऐसा सजा मिलना चाहिए कि हमर खानदान के कोनो भी लड़का ऐसा गलती करे से पहले हजार बार सोचे। ये बिल्कुल सही कहा थे। आज जीतू हा जौन गलती करे है वो माफ करे के लायक बिल्कुल नहीं है और अपन पिताजी के मौत के जिम्मेदार घलो ये जीतू हा हरे। तेखर सेती आज हमन ठाकुर समाज के मन ये फैसला करे हन कि एला हमर समाज से बहिष्कृत कर दिया जाए। आज के बाद ये जित्तू के हमर ठाकुर समाज के मैन के साथ कोनो प्रकार के संबंध नहीं रही और सज्जन सिंह के लिखे ये वसीयत के अनुसार आज ले ये जित्तूला जम्मो जमीन जायदाद धन संपत्ति ले बेदखल करे जाती। आज के बाद उकर जम्मो जमीन जायदाद और धन संपत्ति ला उकर भतीजा प्रीतम सिंह के नाम करे जाही। ये संबंध मा तोला कुछ बोलना है का तचार समाज के आगू में बोल डाल। मोर पिताजी के नजर में अगर मैं गलत रहे हूं तो मोर गलती के सजा मुला जरूर मिलना चाहिए। मैं अपन स्वर्गीय पिताजी के आदेश के सम्मान करत हुए सब कुछ छोड़ के जाए पर तैयार हूं। जितना धान है सब उठा के गाड़ी में डालो रे। हाँ तो पंखों का घरों डालो। हाँ कुछ नहीं बात ना चाहिए उठाओ सब गाड़ी में डालो चलो। दाऊ दाऊ ये मोर साल भर की कमाई है दाऊ ये सब लोग कहाँ ले गए। अब दो साल पहली बाड़ी में धान ले रहे भुला गए इसका। पिछले साल सवैया बाड़ी सहित पूरा धान ला वापिस कर देना दाऊ जी। अब सवैया नहीं दूना बाड़ी लेता हूँ दूना और दो साल में चौगुना हो गए समझ गए। अबे लगा ना भाई जल्दी जल्दी ऐसा अन्याय मत करो दाऊ जी ऐसा अन्याय मत करो दाऊ जी ऐसे मोर बेटी के बिहार है मैं बर्बाद हो जाऊं दाऊ जी। अबे तुम्हारी बर्बादी मत तो हमारा बादी है। अबे ता यहां का सिला भी न था बे जान उसने धान दुहार। उठ कका अब राजा आ गए और राजा छत्तीसगढ़िया के रहत में अब कोनो गरीब किसान के ऊपर ये पापी मन अत्याचार नहीं कर सके। अबे मोर काम में ज्यादा टांग झनड़ा नहीं तो तोर सब हीरोगिरी खुसेर दूं। अबे अभी तक मोर हीरोगिरी देखे कहां हस मोर पिक्चर तो अब चालू होगी बेटा तब तोला पता चली असली सुपरस्टार काला कथी। साले
हमारे यहाँ बाबा के बारी में एक ठन इतना बड़े गोभी, इतना बड़े गोभी जेकर छाव में पूरा गांव भर के मैनखे सूझ जाए बे। अच्छा बड़े गोभी, इतना बड़े गोभी। चल बे साले मोला बेकूफ समझतस बे, कहीं अत्ते बड़े गोभी रही बे। रिहिस ना बे। हाँ, हमर बाबा मोला 3 साल तक साग लेक जरूरत नहीं पड़ी सी, इतना बड़े गोभी बे। बाप रे। हमर बाबा बताए, हमर बाबा के जमाना में हमर घर अक्का बड़े कढ़ाई रिहिस, अक्का बड़े कढ़ाई रिहिस रे। की ओ कढ़ाई 12 रेल गाड़ी ऐसे चले, ऐसे चले। इतना बड़े कढ़ाई, बड़े कढ़ाई रिहिस तो ओती जन कढ़ाई तुमन का करोगे। तोर बाबा घर के जे एहरिस ना गोभी चलो वही कढ़ाई में तरह है पूरा गांव भर के मन खाए। अभी साले गोभी उड़ के का रहे हमर। अरे यार इस नाम से मोला टेंशन हो गए साले। चल ना यार कुछ मौसम बनाता साले। मौसम लगने झोलम धरे रे। एक बार ओके। आधा साले मोना और ठन ठन के मारे मोर दिमाग ठन ठन आगे साले दिमाग खराब आओ बनाबे आओ साले। वो ठन ठन बटूरी सेट करे बर मेहनत करे ना, ओतका मेहनत में मोर बकर रहते हो ना भाई। माँ कसम 4 जन लड़का होती और एक घना लग से जी की धरत रहती बे। रुटुरी पता हमर बाबा हबे। साले बाबा बाबा वाले तोर दाई के बारे में कुछ किस्सा नहीं है बे। दाई दाई के बारे में है ना, मोर दाई है नामी आदमी कहत लागे छेकिन भाई बे साले। नामी जेज की निपटैया एक गांव जसपुर कोरिया से मोर ढोकी दाई बुलावा आगे। अरे दादा रे जसपुर से। जसपुर कोरिया से बुलावा आगे हमर ढोकी दाई की झचकी निपटाए पर मैं गिस वाले बात नहीं गिस 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 उन्हों जाके देखते तो लड़का के मुड़ी ही निकल गए पेट से ठक के रहे। फिर का करी तोर दाई है। हमार दाई गीस और लड़का के मुड़ी धर के फट ले खींची लड़का बाहर। अरे दादा रे फिर लड़का जब होइस ना तो देखो देखो बे साले यो देखनी देखनी हो गए लड़का ला कैसे जी 1.5 क्विंटल के लड़का बे साले। दादा रे 1.5 क्विंटल के लड़का चल बे साले ठक ठक का साले। जब मैं पैदा हुआ तब 1.5 किलो के रहे हो साले। जवान आदमी 1.5 क्विंटल नहीं रहा कहाँ लड़का 1.5 क्विंटल हो जाएगी। ठीक लड़का है ना बे। जयराम भाई भाई ठन ठन भाई। कैसे ठन ठन हमर वो पुलिस वाले आईडिया में टुन टुन फीट हो इस नहीं भाई। कहाँ जमीस यार उल्टा मुहिल जमा दिस टुंटू ना। देख भाई ठन ठन जब टेढ़गा उंगली से घी नहीं निकले ना तो आदमी ला अंगरी ला सोच कर लेना चाहिए। कैसे रवि कैसे उल्टा पुल्टा गोठिया था सिया मोर माइंड काम नहीं करत गोंदली है। गोंदली गोंदली नहीं है लिमाओ चुचर ना बे लिमाओ चुचर। का सीधा हाथ से काम नहीं होना चाहिए ऐसे की था यार। मतलब अब हमला टुंटू भर पार के लड़ाई लड़ना है कैसे रे रवि। हाँ जैसे मोर बाबा लड़े रही तोर दाई बा। मतलब तोर दाई या मोर बाबा के मतलब लफड़ा रही जीवन में चाहते उसका बे। अरे भैया मोर बाबा के मोर दाई से लफड़ा रही तेला बता तू बे। साले से मोर बाबा के बेइज्जती कर दे। झरोन भाई प्रेम दारू नहीं पीना चाहिए। दारू पीना बुरी बात है ना रवि। आज तो चिंता मत कर ठन ठन भाई टुनटुन कैसे निपटे तेल हम देखता ना। चल तो भाई चल चल। ये टुनटुन के चक्कर में मोर दिमाग खराब हो गए। ए टुनटुन ए दिया काय बता का कमी है हमारे दोस्त में का वो स्मार्ट नहीं है। हवे हवे काओ कुत्ता कमीना है। हाँ माने नहीं काओ लायक नहीं है। हवे जब ठीक है
तते वाला लाइन कवर नहीं देवा दूहू ना दिन बादर देख हाँ दिन गला ठीक है बादर गला ठीक है तते वाला आज लाइन दे दे ओकरम भियारी जिंदगी में अपन माया के चिमनी पार दे ठीक है तो कहाँ है ठन ठन अबे ठन ठन कमीन यार भीतरी खुसरी ठन ठन टुन टुन मैं तोर माया ला नहीं समझ रहे हैं हाँ। बोलो माफी दे देना चल माफ कर दे तुम्हें सही कहत रहे हो यार अंग्री टेढ़गा वाले बात सोच बात समझात रहे तो समझ में नहीं आती से पी खा के आए तो देख कैसे सोची आगे बड़े बड़े काम लग जो नहीं कर सके समारू और बुधारू वो काम लग कर देते एक पौवा दारू अच्छा तुम दारू पी के बोला चमकाए बना हो और तो हो दारू पियस जीतू है अरे आओ चाचा आओ प्रणाम खुश रहो बैठो चाचा आओ जीतू क्या हाल चाल है बेटा सब ठीक है चाचा फिर बहुत दिन के बाद सुरता करे नहीं सुरता तो आते बेटा ते तो जाना था पुलिस के ड्यूटी है हाँ वो तो है चाचा सपना पानी लेके आबे चाचा आए आओ सुना पढ़े लिखे तो तोर कंप्लीट हो गए आगे का सोचे हस वकालत के प्रैक्टिस करबे ना नहीं चाचा कहीं सर्विस करूं चलो यहू अच्छा बात है तब कहीं नौकरी पर अर्जी वगैरह लगाए हस बेटा हाँ चाचा दो चार जगह आवेदन दे हूँ ठीक है तो तकदीर में जिन लिखा है मिलबे कर हाँ उमा का ही बात है पाव पर रखे चाचा जी खुश रहो कतेक सुंदर बहू है एकदम लक्ष्मी असन फिर सज्जन भैया के बारे में सुन के भारी अफसोस हुई का करवे बेटा नियति के आगे काकरो नहीं चले नहीं चाचा मोर बाबूजी की मौत के कारण मैं रहूं मैं अपन मर्जी से शादी कर लियो ये सदमला बाबूजी बर्दाश्त नहीं कर पाई और आत्महत्या कर ली नहीं बेटा सज्जन भाई हा आत्महत्या नहीं करे ओकर हत्या करेगे शमशेर भैया ठीक नहीं कर रहे मोर बेटा जीतू संग प्यारे काली बैठ का सकेल के वो है जीतू ला अपमानित करी और ओला समाज से बाहर करे की कोशिश फिर मैं ऐसा नहीं हो अंदा ओ तो हो के रही सज्जन पूरा खानदान के इज्जत ला नीलाम कर दी तोर बेटा जीतू है ऐसा नौलाद से तो बिना औलाद के अच्छा है चाचा ऐसा नलायक औलाद ला तो घर जमीन जायदाद सबको जगह से बेदखल कर देना चाहिए ए प्रीतम मोला तोर सलाह की जरूरत नहीं है का करना चाहिए और का नहीं करना चाहिए महू जानता हूं तैं कुछ नहीं जाना सज्जन अगर जानते तो वो हराम खोर ला लात मार के घर ले बाहर कर दे रहते और बेदखल कर दे रहते अपन जमीन जायदाद ले लागते तुमन यही समय लागोरत रहे हो बिल्कुल बिल्कुल सही समझे चाचा ये कागजात में हस्ताक्षर कर दे हिम्मत तोर और जीतू दोनों की भलाई है तुम्हारे असन भर कह गए रे सीका के टूटती और बिलाई के झपटती दोनों बाप बेटा अतः कमीना हो मैं सपना में नहीं सोच रहा हूँ कमीना अरे जमीन जायदाद रुपया पैसा के आगू में सब रिश्ता बेकार है सज्जन बेटा प्रीतम जी बाबू पढ़ के सुना दे का लिखा है तेला जो आज्ञा बाबूजी मोर नलायक पुत्र जीतू हा खानदान के मान मर्यादा के खिलाफ काम करे है और छोटे समाज के लड़की के साथ ब्याह करके मोर और मोर घर के इज्जत ला नीलाम कर दिस देखरे स्थिति मैं अपन बेटा जीतू ला जमीन ज्यादा सब बेदखल करत हूं और पूरा होशो हवास में पूरा संपत्ति ला अपन भतीजा प्रीतम सिंह के नाम करा था सज्जन सिंह ठीक लिखा है ना सज्जन भाई क्यों और कुछ जोड़ना है धूर्त कमीना हो तुम दोनों बाप बेटा अतिक नीचे गिर जाऊ मैं कभी नहीं सोचे रहा हूँ दोनों कान खोल के सुन ले रहा हो मोर जीते जियत तुम्हारे मनसूबा कभी पूरा नहीं हो सके तो जीते जियत नहीं हो सके ये बात तो हम मन भी जाना था चाचा फिर मरे के बाद तो हो ही दस्तखत तो हम तोर से पहले ले रहे स्टाम्प पेपर में
और अंगूठा ओ तो मारे के बाद भी ले ले वो। बगी काका के काम निपट के काका। बेटा भाई लसूतन दे आराम से कुर्सी में, तकलीफ जन होए। हाँ बाबूजी। और पेपर में अंगूठा लगवा ले। जी लगवा ले। तो ये नींद की गोली लही में रख दो। हाँ बेटा परसों बता रहा हूँ सर। चल भाई के मौत के खबर और रिश्तेदार बल्ला दे ले पड़ी। हाँ बाबूजी। सुन बे ये बात कहीं इतनी सी होती हुई नहीं तो तोर हाल भी याद रख बे। ये का बोला तू चाचा? ये सच है जीतू। ओकर हत्या गला घोंट के करे गए है और आत्महत्या साबित करे बर नीत के गोली लाऊ कर आगू में मरा दी। चाचा मैं जरूर वकालत करूंगा। पहलवान गब्बर सिंह हमर गांव में हर 5 साल में चुनाव से पहली मटका फोड़ फिर कबड्डी प्रतियोगिता के आयोजन रखे जाते और मटका फोड़ प्रतियोगिता में जैन दोनों पार्टी के लोग मन जीतते वही है कबड्डी टीम में अपन अपन कप्तान बनते और जैन कबड्डी में जीतते वही ला गांव के पंच सरपंच और मुखिया बनाए के अधिकार दे जाते। अच्छा। बहुत समय से गाँव के सरपंच मैं हूँ और अब मोर इच्छा है कि मोर बेटा प्रीतम गांव के सरपंच बने। काबर कि गांव के मनखे मन जैसे मोर नाम से कांपते हैं वैसे मोर बेटा प्रीतम के नाम से कांपे। गब्बर सिंह और ओखर संगवारी जेखर घर पहुंच गए समझो ओखर जीत निश्चित। रघु। हाँ साथ। किसान पार्टी के खिलाड़ी मनमा एक आध दिन पिंदी के लूटा ला खोज ए दरी हमन सबो झन मिल के देखा देवो। ठाकुर ला के किसान के खून पसीना में कतका दम है। ए बेखा तुम ऐसे खेल देखाना है कि छठी दूध याद आ जाए सारा मल्ला। ते ठीक कहा था प्रेम। दाऊ ठाकुर मन किसान मन के ऊपर बहुत अत्याचारों शोषण करे हैं लेकिन अब नहीं सहना है काबर की मटका फोड़ो कबड्डी प्रतियोगिता में इधर ही किसान मन के जीत हो ही और मुखिया पंच और सरपंच किसान पार्टी के बने। कहा था बनेच नहीं सका किसान पार्टी के मुखिया। काबर नहीं बन सका प्यारे काका? दाऊ भाड़ा के भरा सुहारी खा के उनकरे गुण गा सीख गए प्यारे काका। गरीब किसान है पार्टी मन का तोर बहरी दुश्मन है गुण है अगरा बहरी दुश्मन नो है बेटा देखरे से ती तो मैं कहा था। कहानी झंझनवा काका का कहना चाहता तेला सोच सोच बता। राजा दाऊ है शहर ले नामी पहलवान गब्बर सिंह और ओकर चेला चपाटा मनला अपन डार ले खेले बर बुलाए है और कहत रही से कतनो पैसा लग जाए साम दाम दंड भेद सब लगा दो फिर जीत हमार होना चाहिए और हमार गरीब किसान पार्टी में एक जन बिन पेंदी के लोटा वाला खिलाड़ी खो जाते जेन उखर इशारा में काम करे। अच्छा तो ये बात है दुश्मन के पैतराबाजी से ज्यादा घबराना नहीं चाहिए काबर के जीत हमेशा सच के होते। पूरा जोश खरोश के साथ कल हमन हा मटका फोड़ प्रतियोगिता में साबित कर देंगे कि असली शेर कौन है। मिलाओ हाथ। संगवारी हो हर वर्ष के भांति एक वर्ष भी सरपंच चुनाव के पहली मटका फोड़ का आयोजन रखे गए है और ये मां दो दल है पहला किसान दल दूसरा ठाकुर दल ये दल के है ये मटका ला फोड़ी वह अगले हो या कबड्डी के कप्तान हो ही और दूसरी टीम के अच्छा खिलाड़ी है अपन टीम के कप्तान हो ही लेवा दोनों टीम पर 15-15 मिनट के समय निर्धारित करेंगे। अब मैं हाँ सबसे पहली किसान टीम ला आमंत्रित करता हूँ जोरदार ताली बजाओ किसान टीम पर। अब ये किसान दल के तैयारी चालू हो थे ये मीनार बनाए के तैयारी ये रवि किसान और ये ठंडान ये सब जन तैयार हो गए और ये तैयारी एकदम बढ़िया मीनार भैया भगवान ले गिर गए। अरे भाई समय निकल जाते ये एक पैस तो हो गए अब ये फिर तैयारी हो गए ये एकदम बहुत जोरदार जोरदार ये ऊंचा मीनार बनाते और ये पिछल के ये धड़ाम ले गिर गए सबो जन। अब ये फिर तीसरा तैयारी है राजा ऊपर चले कोशिश कर रहे थे ये ठाकुर जल के मन पानी डाले थे और ये धड़ाम में गिर गए राजा। हाँ ये दूसरा
तैयारी और ये एकदम जोरदार एकदम ठीक के कगार में आ गए। ये अचानक हो गए, ये सब वजन भी छल कर गिर गए। राजा के टीम हथितर बितर हो गए और एक साथ समय भी खत्म हो गए। किसान दल के समय समाप्त और ठाकुर दल के सब खिलाड़ी मन के उत्साह उमंग दिखाते तैयारी हो गए है। ठाकुर दल के और ठाकुर दल के खिलाड़ी मन तैयार है। किसान दल के खिलाड़ी मन पानी छिटा थे, ठाकुर दल के मन बने मीनार मना रही ने और ये अचानक पूरा बिछल के गिर गए। अब ये दूसरी तैयारी है। प्रीतम सिंह पूरा प्रयास कर रहे थे, ये मटकी तीर में पहुंच गए और ये शानदार एकदम मटकी धर ली से और प्रीतम हम मटकी धर के ये फरांग फोड़ दी। धन्यवाद ठाकुर दल के प्रीतम सिंह मटका फोड़ के कबड्डी के कप्तान बन गए। यही ला कही थे राजनीति, अगर आज तुमन अपन डहर ठंडला नहीं मिला रहते हो तो वो राजा हर तो बजा दे रही से ठाकुर पार्टी के बाजा। ये बात तो सच है ठाकुर साहब। हाँ, और ऐसने साम दाम दंड भेद के साथ कबड्डी लग हलो जिताओ। कबड्डी लग हलो जित बन बाबू जी। ठन ठन कबड्डी में बनाए हमार प्लान में साथ दे दे। हाँ। तहले तोर टुनटुन संग बिहाव कराए के जवाबदारी मोर। टुनटुन लग तो पाए भर में कुछ भी कर सकत हो प्रीतम। ले तो फिर ये बात के लिए दारू पी। दारू अरे दुनिया में दारू हरे भैया होकटे हो गे बदनाम। गोरी के नैन मा निशा अतिक हे, अरे टप टप छल के जाम। के अरे गांजा चीलम छीके मस्ती माई तरा के, अरे बिधुन होके नाचे। चल गिरे मोर नैना के जादू, कद्दू घूमत हा
अबे तर्जन जाना बाबूला बोल पे वो टूरी संग रात में गोठियाना कह के जा और तो दादा मोर जीव ले दिए भैया। अरे कुछ नहीं करे यार तो जा बोल पे ठाकुर साहब आज तो बसंती के नाच देख के मजा आ गया। अरे ठाकुर संग में रहबे तो ऐस करबे संगवारी मन कहत रही से के बसंती सन रात भर हंसते गोठिया तेन कह के का कहस बे लेदरा साले तू मन बसंती से ऐस करू तका मैं आलू छिलू बे गब्बर मुझे तो साले ला धर के आगे ठाकुर साहब माफी दे दो सरकार माफी दे दो ओ प्रीतम कह रही से ऐसे बोले बर औ अपन नाम ला जान बतावे कह रही दादा। अच्छा बाप के माल में डाका कहाँ हंस रहे प्रीतम भाग गए दाऊ जी। अबे ठाकुर मन भागे नहीं बे बाप के सम्मान करते एकरे से ती जल्दी सोई का समझे जी 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 चल छमिया आज तो ते रात भर नचा नचा के थका डरे चल थोड़ी किन हंस दो और ऐस कर बड़ा मजा यही संगी खीर के खवाई माँ बड़ा मजा ही। अरे वो किसान पार्टी वाले मल्ला खीर खवाएस कि नहीं खवाएस यार। हाँ खवाऊं उस्ताद आधा खीर ला तुम्हार मन भर काजू किशमिश डार के लाऊं और बचे जो खीर है ना तेला जुलाब डाल के वो मल्ला खवाऊं। अच्छा अरे क्या बात है पहली बार अकल के काम करे हस बेटा ठन ठन। हाँ देख बे उस्ताद जुलाब वाले खीर लखा ही ताहले ओमन खेत में कैसे पानी पलोही पिला ठंडन खीर तो बहुत अच्छा है यार देखो कहूं ठाकुर मन के शोषण और अत्याचार से छुटकारा पाना है तो हमन ला पूरा दम लगा के पूरा ताकत के साथ अपन किसान कबड्डी टीम ला जिताए बर पड़ी सब ला सचेत रहना है कुछ भी चाल चल सकत है सारा बेटा मन हमन तो दूजन एक्स्ट्रा खिलाड़ी मिला के नौ जन होता हा? तो दूजन और कहाँ गया भी? राकेश बीमार है वो नहीं खेल पाए। राकेश बीमार है तो ऐसे करथन जीतू है कबड्डी के नेशनल खिलाड़ी है ओला अपन टीम में मिला ले दिखा देस ना अपन औका मोला नफरत है वो गद्दार जीतू से ओला टीम में रख के मोला जीते के बजाय हारना मंजूर है तुम मन बोला अगर टीम में रखो ये बात मोला मंजूर नहीं मजा सुन ना राजा गलती हो गई माफ कर देनी यार जब तक राजा किसान टीम में है कोई जीतू के बात नहीं करी और जब तुम ला इसे लगे ना कि राजा हक किसान टीम ला नहीं जिता सके तब बला लू अपन जीतू ला राकेश के तबियत खराब है तो एक के एक्स्ट्रा खिलाड़ी मां खेल दो फिर दूसरिया कौन गायब है वो ठनठन नहीं दिखत है वो कहां गए मल्ला अच्छा खेल ही कही के खीर के पार्टी दे थे ओकरे तैयारी में लगे ठन ठन अच्छा खीर के तैयारी नहीं है भैया खीर में जुलाब मिला के खिलाए की तैयारी है ऐसे नहीं हो सका काका ऐसने हो थे राजा ऐसने छो थे मटका फोड़ला भी तुमन ठन ठन के कारण हारे रहे हो ओ सारे लतका मारू की जिंदगी भर खटे नहीं उठ सकी वही दास साले आज तो कर गो हाथ ला टोरू चुपरा तुम्हारा कुछ नहीं करना है मैं उखर से बात करूँ ओला बिल्कुल भी आभास नहीं होना चाहिए कि हमला सब बात पता चल गई है। राम राज में दूध मिले और कृष्ण राज में घी ठन ठन राज में खीर मिले तो सर पर पी ले राजा भैया तोर बार लाओ वो का है हमार किसान पार्टी कबड्डी में जीत सके कहिए मैं तुहर मन पर बढ़िया काजू किशमिश डाल के खीर बना के लाऊ ले खाना ठन ठन तो हमारे बचपन के संगवारिया से यार ये खीर में तो जुलाब मिले है इमा जहर भी मिला के देवे ना तब होले मैं पी लू अरे जुलाब मिले वाले खीर ले तो पहलवान मन खाए है ठन ठन ला तो भेदिया बना के मैं उखर करा भेजे रहा और मटकी फोड़ में ठन ठन हा तो मोर इशारा से नीचे बैठ जाती रही से ताकि हमन हार जन और हमर हारे से ठन ठन ऊपर उखर मन के भरोसा हा बाढ़ गए औ हम दुश्मन ला ओखरे बनाए फांदा मा फांस के मात दे ओ देखो जुलाब वाले खीर खाए पहलवान मल्ला कैसे रे बने खीर हम मिठाई धन नहीं कैसे रे साले शहरी पहलवान हो हम अल्लाह जुलाब पिया हुए अब कैसे लागत है बेटा यादन तो ठीक लगते भाई और यह जाधन तो कैसे कैसे लगते यार ता ये मेर बिस्तर लगवा दो का बार बार घेरी मेरी अवैध जो एक झंझट ले बात जाऊं
तान मारबे ना मारू साले ये मजाक करे टाइम में कबे पेड़ गुड़गुड़ो ते ज्यादा कुछ करबे दी मैं बैठ जाऊं मैं चुप अगरा साले दादा पुरखा खीर नहीं खा रहे इसका रे मार झोरे ऊपर झोरत रे सारा तोड़ से बाद में नहीं पटलो गुड़ साले अरे अभी तो जानदा नहीं यार अबे साले कोलिया हो निपटाज भर तो खड़े हैं बे भागत काबर हो निपटना है तो इच मेरा निपटो ना अभी अरे समय की नजाकत ना समझ मोर बाप अरे बोल जान दे यार नहीं तो मोर धोती खराब हो जाएगी वैसे तोर से पहले और कहां जो अमूलक खात हो रिस्का अच्छा तो और मामा गांव कौन गांव है अरे मोर मामा कैसी कैसी यार बोला भी जान दे यार तोर बाप है एह के दलाली करते ना का नाम रही जोकर अरे मोर बाप के नाम कमीने है कुत्ता है गधा है भैया आप तो जान दे मोर बाप अबे कुल खानदान सबूत तो बता डरीस बे जावन दो बेचारा मल्ला ले ते जन बहादुरी काम करेस ना ओकर लिए मोट डाले नड्डा गिफ्ट भूलकी वाले देखा भाई काली एकदम ते हीरो असन काम करे यार टंटन मां कसम है ना ओ साले पहलवान मन के पहलवानी झोला में धरे धरे रह गए हां बे ये सब राजा के बताए आडिया यार देख नहीं हम वो सारा पहलवान मन के कैसे पोकर री छाट गिरी तेला तुन तुन तोर ये हीरोगिरी कहानी सुनी ना तो तोर दीवानी हो जाई भाई माँ कसम ओ साले पहलवान मन हा कोलिया असन भागे बे एती होती हाँ बे बोल के है कोलिया बे ओ साले हगरा पहलवान मन हा हाँ बे कौन हगरा पहलवान बे ठाकुर मन के फड़का हुआ पहलवान मन बे पहलवान मन के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए भाई वो मन दारा सिंह के अवतार होते यार चल बे साले ते वो हगरा मन के तारीफ करता थे साले मन के पागी पर ढिला गिरी सब वो दारा सिंह कहे के दारा सिंह का मांग कर थम बे अरे काकर पागी पर ढिला गिरी से रे दूसर के बारे में गोठिया हंस रहे हैं भैया तो लग नहीं कहें दादा ठीक नहीं है मैं घर जाऊं भैया अरे कहाँ जाता तोला तो आज खीर खवा के भेजू मोर पेट भरे है मैं खीर नहीं खा का हो गे थोड़कीन अव खा ले नहीं मोर संगवारी राजा आही ना तो तू मल्ला मार मार के तू हर खर्री नीच दे कबड्डी में किसान पाटिल जीताना मोर राजा बेटा के सपना रही से फिर आज मोरे राजा बेटा हा राजा के सपना जरूर पूरा हुई बाबूजी राजा के दोस्त जीतू के राहत ले ओकर सपना नहीं छरिया सके मैं खेलूं किसान पाटिल डाले कबड्डी सबो तैयारी बढ़िया से हो गए ना रे पहलवान गब्बर सिंह अरे ठाकुर साहब सब तैयारी बढ़िया हो गए अरे वो हड़ामन हमर मन से का मुकाबला करी कैसे रे आगरदेव नहीं गब्बर अपन विरोधी ला कभू कमजोर झन समझू ठाकुर साहब हमन दुरिया दुरिया ले नामी नामी पहलवान मन आए हैं हमार मन के राहत ले आप कावर फिकर करते हो कैसे गुरुदेव बिल्कुल सही उखर असली खिलाड़ी राजा ला तो हमन अस्पताल पहुँचा दे हन बाबूजी वो तो अपन मौत के घड़ी गिनत वही दे धमतरी गंग रेल मा बैठे तै अंगार मोती खुदाई जय अंगार मोती गंग रेल मा बैठे तै अंगार मोती खुदाई जय अंगार
नवा जीवन दे माँ, नहीं ते यही दर्दवारी माँ अपन मूड पटक पटक के मर जाऊँ माँ। हर बार के तरह ए बार भी सरपंच चुनाव के पहली कबड्डी के आयोजन किए गए है। और हर बार के तरह ए बार भी जौन दल है जीत ही जेमा किसान दल और ठाकुर दल के बीच मुकाबला है और जी ही दल जीत ही वो है ए बार सरपंच बनाही। तो ये अवसर में हमार बीच में खिलाड़ी मन के उत्साह वर्धन करे खातिर हमार युवा कर्मठ नेता और समाज सेवी श्री अनुराग साहू जी हमार बीच उपस्थित है। हम चाहबन कि वह हमार खिलाड़ी मन के उत्साह वर्धन के लिए अपन मुखार बिंद से वो मन ला दू शब्द संबोधित करी। बड़ा ही खुशी के बात है आज किसान दल और ठाकुर दल के बीच कबड्डी प्रतियोगिता के आयोजन रखे गए। हार और जीत है एक सिक्का के दो पहलू हरे। हार जिससे ज्यादा खिलाड़ी के खेल भावना महत्व रखती। मैं दोनों दल के खिलाड़ी मन ला बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़। प्रीतम भैया, प्रीतम भैया, प्रीतम मोर बेटा है, अपन टीम के कप्तान है। प्रीतम भैया, प्रीतम भैया, ये ठाकुर दल के चाहने वाला मन के आवाज रही थे। ठाकुर दल के कप्तान है प्रीतम सिंह और दूसरा तरफ है किसान दल। किसान दल के मन अपन नेता के जयकारा लगा थे। आज के मैच है इतिहास के पन्ना में दर्ज हो जाए। खबर की किसान दल के कप्तान राजा है जीवन और मौत के लड़ाई अस्पताल में लड़ा थे। देखर सेती जीतू ला अभी कार्यवाहक कप्तान बनाए गए है। दोनों दल के कप्तान मन है बने हाथ मिला थे और दास करे बनाए है। दास मिनट ठाकुर दल, ठाकुर दल है दास जीत चुके है। अब ठाकुर दल के पहली खिलाड़ी आ गए जौन है तंदुरुस्त खिलाड़ी। अब ये किसान दल के खिलाड़ी मन घेरा मारा थे। ये तैयारी है ये ठाकुर दल के खिलाड़ी जोश में बिल्कुल। अब किसान दल के घेरा मारा थे खिलाड़ी मन समझन। अब ये कंधा उठाली खिलाड़ी ला ये ठाकुर दल के ठाकुर दल के खिलाड़ी है किसान दल के खिलाड़ी ला। ऐसे करके एक खिलाड़ी आउट हो गए किसान दल के और ये जोरदार एक अंक मिल गए। ये किसान दल के कार्यवाहक कप्तान जीतू सिंह आगे है जौन है नेशनल खिलाड़ी कबड्डी के। और ये कैसे घेरा मारा था ठाकुर दल के मन हा और ये एकदम कोशिश करा थे जीतू भैया आउट करके ये आउट करके ये दो खिलाड़ी मन धरती और एकदम आउट ठाकुर दल के दो खिलाड़ी आउट हो गए। ठाकुर दल रहा दारा सिंह रहा है कबड्डी बड़ा जबरदस्त खिलाड़ी है। ये किसान दल के खिलाड़ी आउट कर किसान दल रहा ने ये प्रेम भैया आगे ये कुदक कुदक किया है ठेक लिया। ये भी एक किसान दल के ये अंदर घुस के ये भी एक शब्द चाहिए ठाकुर दल के मन हा और ये काय वहां नीचे डाले नीचे भागा दे दादा और ठाकुर दल के तीन खिलाड़ी मन आउट कर दिए। ठाकुर दल के कप्तान प्रीतम सिंह बंदर आते सजीत करे बार। अब ये किसान दल के खिलाड़ी मन सावधान हो गए हैं। अब ये ठाकुर दल के कप्तान ये लंबा छलांग मारी सकती मोर बेटा है प्रीतम ठाकुर समाज के शान है। ठाकुर दल में खुशी के लहर चल पड़े हैं संगियो किसान दल की तरफ लेके बैठे भैया आज एकदम खुशी में सब खिलाड़ी मन दर्द जोड़ा हाथ पांव जोड़ा थे अंदर आओ। अब ठाकुर दल हार ले एकदम पर दिन आगे है जो बड़ा जब्बर है आई है ये जो खिलाड़ी मन हर के लेगा थे भैया दोनों दल के जबरदस्त टक्कर है। अब जीतू हा आते किसान दल के तरफ ले ये अकेला बचे है और ये गोल घूम घूम के अड़ंगी मारा थे किसान दल के ये फुर्तीला कप्तान ये शानदार ये आउट खिलाड़ी ठाकुर दल के आउट हो गए।
मोर बेटा है प्रीतम। ठाकुर दल के कप्तान प्रीतम सिंह किसान दल के खेमा घुस गए बिल्कुल अंदर तक के, और ये किसान दल के खिलाड़ी मन प्रीतम सिंह ने पकड़ लिए हैं। जाओ एकरे बेटा है प्रीतम, लाइन से आउट हो जाते। चुप है, ज्यादा समझ आते कारे। अब एकरे संग खेल के मध्यांतर हो गए हैं, अब पारी बदले जाते। राजा तेई का करत है बेटा। मुल जान दे मां, मुल टीम ला मोर जरूरत है। बेटा तोला बहुत चोट लगे है, तोला आराम करे के जरूरत है। मुल जान दो बाबूजी, मुल मत रुको, नहीं तो कबड्डी में किसान पार्टी हार जाए। ते जी जान कर बेटा, तो जान ले बढ़ के कबड्डी नहीं है। ये गांव ला ठाकुर मन के शोषण और अत्याचार से मुक्ति दिवाए बर हमर जीतना बहुत जरूरी है मां। तोर जगह में कबड्डी खेले पर जीतोगे है राजा। वो गद्दार के नाम मतले मोर सामने। मोर पति गद्दार नहीं है भैया, जेन दोस्ती के फर्ज निभाईस और तोर जान बचाईस ते उही ला गलत समझिस भैया। का वो गद्दार के दिए जीवन से तो मतलब मर जान दिए रे थे। दोस्त के बहनी ला भगा के उखर संग ब्याह करना का ही दोस्ती के फर्ज है। वो जौन भी करीस अपन दोस्त के बहन के जान बचाए बर करीस। तोर जान ऊपर इसे कौन से भी पत्ति आगरीस जिनते मोला नहीं बता सके। तो सुन भैया, वृक्षारोपण कैंप माते स्वीटी दा बचाए रहे उखर बदला वो मोर साथ। राजा की बहनी सपना आती उस्ताद। वह गाड़ी आगे बढ़ा रहे। कोनो सुंदर लड़की ला जब सुनसान जगह देखतो ना तो मैं पागल हो जातु। सपना जी एक कमीना, मोर हाथ छोड़। मोर भाई राजा ला पता चल जाही ना तो तोला दू टुकड़ा यहाँ चीर दी। उही उही तोर भाई राजा से पुराना हिसाब क्लियर करना है। अरे ये तो सपना के बेगे। सपना ये कहाँ कर रहा था सपना? मोला मर जान दे जी, तू मोला मर जान दे। अब जी के का करूं, वो पापी मुला करके नहीं छोड़ी। तुला जेल पड़ी सपना, वो पापी ला सजा दिवाए बन। नहीं जीतू, अब मो जीवन के कोई अर्थ नहीं है। मोर भाई राजा ला पता चली तो मला जीत नहीं छोड़े। अब मैं नहीं चाहूँ कि मोर भाई अपराधी बन जाए। तो मर जाबे तो तोर बिना तोर भाई राजा जी पाही। तुला जेल पड़ी सपना अपन भाई राजा बर। फिर मोर भाई के सपना रीस मोर पर सुंदर सुशील लड़का खोज के मोर बिहाव करे के, मोर ऊपर जौन बीते तेला जान के कौन मोर से बिहाव करी। मैं तोर से बिहाव करूं, मैं तोला अपना हूं। ते ही बता भैया, मोर पति का गलती करी? सपना अब वो कमीना प्रीतम ने मैं जिंदा नहीं छोड़ा। ठाकुर पार्टी, राजा भैया, ठाकुर पार्टी।
संगी हो खेल शुरू किसान पार्टी का हल है हमर रवि है आगे है ये अंदर एकदम तैयार और ये धन सुनिला धन पहलवान मना ऐसे मोटा डर लागे एकर एकदम बोल को घुमा दी है और ये रवि है आउट हो गई। अभी ठाकुर दल के पहलवान है जाते किसान दल के खिलाड़ी मना घेरा मारा दे पहलवान है एकदम ऊंचा एकदम तैयार है अब ये खिलाड़ी मन ये अंदर घुस गए हैं अब ये पहलवान लगाती किसान दल के मन हा अब ये शानदार आउट बड़ा ही रोमांचक मैच हो गया आज के और किसान दल के मन पहली बार आज भारी पड़ा थे किसान दल अभी है मैदान में है अभी ठाकुर दल के मन लगे ये पहला धरनी से बिल्कुल जानदार और ये रवि आओ ये किसान दल ले अब की बार है मैदान में प्रेम और प्रेम हाँ बन अंदाज में अंदर घूम के है और ये ठाकुर दल के सब उत्साह में उन्होंने खेल दिले और ये प्रेम धरा स्वाही आओ। किसान दल के हालत गंभीर है पासा पलट गए है अब ये मैदान में आखिरी यात्रा बचे है किसान दल के ये जीव आगे है किसान दल के सब खिलाड़ी मन एकदम सुस्त दिखत है अंतिम क्षण अंतिम समय बचे है अकेला जीतू बचे है और ये अकेला मैदान में जीतू अंधेरा सिर्फ एक मिनट के खेल बचे हैं और ठाकुर दल है 7 अंक से आगे है ठाकुर दल लगभग जीत के कगार में खड़े है। अरे हमर राजा मिले अरे ये का अचानक राजा आगे मैदान में किसान पार्टी में एकदम जोश आगे किसान दल के कप्तान राजा अब मैदान में उतर गए संगी हो एक अकेला वीर जवान और ठाकुर दल के पूरा खिलाड़ी बोला घेरे कोशिश कर रहे राजा हम मैदान में एकदम नवा जोश नवा उमंग के साथ अरे ये का राजा में सब खिलाड़ी मन है ठाकुर दल के घर में है लेकिन राजा एक झटका में सब ने बैठ दी ठाकुर दल के ये गब्बर सिंह राजा पकड़े कोशिश करी राजा उहुल पटक नहीं देती ठाकुर दल के अकेला खिलाड़ी प्रीतम सिंह राजा पकड़ने कोशिश कर रहे थे लेकिन राजा और घर के सेंटर लाइन में पटक दी और उसके साथ राजा भी सेंटर लाइन में आके ये हो गए किसान दल के शानदार जी। राजा भैया राजा राजा भैया राजा नहीं राजा राजा बापी ला मार के अपन हाथ गंदा जन कर राजा भैया तोला मोर के सामने कर राजा छोड़ो राजा ठाकुर दल के पूरा सफाया कर दे है एकर सेती किसान पार्टी ला 2 अंक अतिरिक्त मिल गए है एकर सेती किसान दल हा ये मैच ला जीत गए है। अब मैं किसान दल के कप्तान राजा ला आमंत्रित करा था वो आए और हमारे अतिथि श्री अनुराग साहू जी ले विजेता ट्रॉफी ला ग्रहण करे जोरदार तालियां। बधाई हो राजा बहुत बहुत बधाई हो अब मोर सपना पूरा हो गए मैं तो राधा बनूं और तैमर किशन कन्हैया। अरे मैं तुला अपन माया में ऐसे रंग दूं भाई कि त चोरो बोरो हो जबे। और ते कुछ नहीं मांगा सपना का मांगो जी तू मोर सपना तो तय है। अरे माया पीरित के निशा के आग दारू भांग शर्माए ये दीवोती खोजे छेला फिर गोरी नजर नहीं आए। अरे का बात है राजा का बात है सरा रा 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 हो रही है। आगे 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 मोर छमिया We'll be right back.
तोरी नहीं बचे, आज तोरी नहीं बचे घाघरा चोली वो, घाघरा चोली वो रंग हूँ तोला गोरी, खेल हूँ होली वो। हम जोली खेल बुन होली वो, खेल बुन होली वो, खेल बुन होली रे, खेल बुन होली रे। आहा, अरे जा जा। गोरी तोर पाछू पाछू आहूं, आकाश ओ पाताल ले खोज के ले आहूं, आकाश ओ पाताल ले खोज के ले आहूं। अरे जा रे जा दीवाना, और पाछू जाने आना, नहीं तो पर ही तोला डोरा पाछू फिर पछताना, नहीं तो पर ही तोला डोरा पाछू फिर पछताना। अरे भाग के जी हां जाबे तै हम लाऊं हां पाबे, अरे भाग के जी हां जाबे तै हम लाऊं हां पाबे, अरे देख ले मोर टोली बुन होली वो, खेल बुन होली वो, खेल बुन होली रे, खेल बुन होली रे। अरे माया के रंग के आगू संगी, सबको रंग बेकार, माया पीरत के रंग में जम्मो संसार। हाँ रंग मया के लाए और तोरे बर मैं गोरी, भई हाँ मा मुर आजा तै छोड़ के जो राजो रे, भई हाँ मा मुर आजा तै छोड़ के जो राजो रे। जिंदगी ला हरिया हूँ, हाँ हाँ ऐसे रंग रंगा हूँ तुर जिंदगी ला हरिया हूँ, जैसे कत को रंग रंगोली, हाँ खेल हूँ होली वो, खेल बन होली वो, खेल बन होली रे, खेल बन होली रे। साके दे देना एक चुमा तो माया ला मिला के, देना एक चुमा तो माया ला मिला के। अरे एक नहीं रे राजा, सौ चुमा तो ला दूँ, पर बेटा सोता हरदम मैं ऐसा मजा दूँ, अरे माया की शरबत रानी तै पीले दिल भर जानी, तै पीले दिल भर जानी, मां मिले है भांग के गोली, खेल बुन होली वो, खेल बुन होली रे, खेल बुन होली रे, खेल बुन होली वो, खेल बुन होली वो, खेल बुन होली वो, राजा भैया, राजा भैया। राजा किस्से थी
हमारे सब नाम दबदबा सब मिट्टी में मिल गए। ओला तो मैं जियत नहीं छोड़ू। और तूरा राजा ला तो मैं जियत गाढ़ू रे। ओला ऐसा जगह ले के मारू क्योंकि अंतिम संस्कार करवाया करो नहीं मिली। और यही हाल वो तूरा जीतू के करू जेन हाल होकर बाप के करे हन। जमीन जायदाद से तो सब बेदखल हो गए। अब ओला ये दुनिया से बेदखल करना है। दुनिया ले बेदखल होए के बेरा जीतू के नहीं तुम दोनों बाप बेटा के आगे है। प्रीतम तुम दोनों जन मिल के मोर पिताजी की हत्या करे हो। कोर्ट में केस लगा दे हो। तुम्हारे भांडा ऊंचे फोड़ू। बकवास जानकर का सबूत है तोर करा। सब कोर्ट में पता चल जाए। और सुन ते जिन करनी करे हस ना उखर सजा सिर्फ मौत है मौत। आज लेते हैं अपन उल्टा गिनती शुरू कर दे और अपन आपला बचाए बर ते जौन कर सकत हस ना करके देख ले। काबर की मैं तुला नहीं छोड़ने वाला समझे। चल जीतू अब आर पार की लड़ाई लड़े ले पड़ी बाबूजी। आर पार के सही कहे बेटा नहीं तो जेल में चक्की पीसे ला पड़ी। मोर चाहत तो तीन हस जीते जी। फिर तोर चाहत का है तेला बता दे। तोर मौत। मौत कोनो सुंदर लड़की जो मोर मौत मांगते ना तो मैं खुशी से तुम पागल हो जाता हूँ स्वीटी। फिर जो हूँ मरू तोर संग स्वीटी। चल तोला तो बनाऊ अपन घरवाली। छोड़ कमीने मेरा हाथ छोड़। छोड़ दे कमीना नहीं तो राजा ला पता चली ना तो तोला जीत नहीं छोड़ी। जीती जीत नहीं छोड़ी है? तोर का गति करे रहे हो भूला गए इसका है? और का बिगाड़ लेस तोर भाई राजा मोर। वो तो मैं अपन भाई ला कसम दे रही हूँ देख रहे से थी आज तक बाचे रहे कमीना। इसे तो जा भेज दे बे तोर भाई राजा ला रोक रहे हिसाब से क्लियर। छोड़ दे जल्दी रखो अगला गाड़ी चला। छोड़ दे चल जल्दी मार के धक्का धक्का। हां जीतू सपना के ख्याल रख मैं आता हूँ। नहीं राजा मैं जाऊँ तोर संग। नहीं जीतू ये मोर लड़ाई है। नहीं राजा ये सत्य व असत्य की लड़ाई है धर्म व अधर्म की लड़ाई है। इला हम दोनों मिलके लड़बो दोस्त। चल प्रीतम मैं आखो मर साले ला। प्रीतम छोड़ दे स्वीटी ला
अरे उत्ता दूरा कहाँ भागा था बिना लोटा धरे ठाकुर दुलू मर गए। अरे तते कैसे बात कर सिया मोर एक ठन दिमाग में आइडिया है ते मैं ते बात ही नहीं सका बताओ हमर बाबा का है बाबू जैन घोड़ा हा लड़ाई के मैदान में खोरवा हो गई ना ओला जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए भैया सपना आखिर हो गए नाती के अंत तुहार जोड़ी जम गे मोर का होई टुन सिंह मोरो जोड़ी जमा दो ना हमार मन तिर एक था अडिया है बतार प्रेम अडिया ला हमार बाबा है ना राधा कृष्ण सुंदरानी के जय जोहार संगवारी मन आप मन के छत्तीसगढ़ी प्रोग्राम गीत संगीत नवा नवा फिल्म नवा नवा प्रोग्राम आप मन ला अब दिखी यूट्यूब के वीडियो वर्ल्ड रायपुर चैनल में आप मन है अभी सब्सक्राइब करो वीडियो वर्ल्ड रायपुर आप मन के कंपनी हवे वीडियो वर्ल्ड रायपुर मोहन सुंदरानी की कंपनी हवे वीडियो वर्ल्ड रायपुर आप मन के छत्तीसगढ़ के संस्कृति के कंपनी हवे आप मन ला निवेदन करत हूँ वीडियो वर्ल्ड रायपुर के चैनल ला सब्सक्राइब करो और हमार उत्साह वर्धन करो जय जोहार जिला मटाप लागे ना कमरिया 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 करेला पाला पटेलाली पाप लागे ना कमरिया करेला पाला पटेलाली पाप लागे ना सिर तुम कहत हो सच्ची नो है वो मसखरी अच्छा हाँ, सिर तुम कहत हो नो है वो मसखरी चल वो टूरी चल चल माया करी हो चल माया करी हा 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 आ जाना 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 रे आ जाना 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 रे अब मुला झन तर चुम्मा मांगे माँ देवास नहीं माया बिना ये जवानी है बिरथा काबर माया के माँ जाते लेवस नहीं चुमंदे 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 तोरे काल खिया जाही कावो एक चुम्मा मांगे माँ देवास नहीं छोड़ बे जन संग साथ ला संगीरे मोरे हाथ ला तोर से मोला प्रिया है प्रिया है ना तुला मोर क्रिया 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 है ना